हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं इसके सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काफ़ी एप्लीकेबल चैप्टर है, इसका एप्लीकेशन पूरे फिजिक्स में ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर रहता है क्योंकि ये फोर्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो इसलिए इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ना है। और बाकी जो बच्चों का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, लगता है कि चैप्टर टफ है, हार्डर प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम नीट के लेवल का पेपर भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कुछ बोलते हैं सर मेन तक सॉल्व होता है, एडवांस सॉल्व नहीं होता है, तो इन सब के पीछे रीज़न ये है कि आप बेसिकली टॉपिक को अच्छे से समझ के नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस टॉपिक को बेसिकली अच्छे से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हर एक लेवल का क्वेश्चंस, नीट लेवल का, जेई लेवल का और एडवांस लेवल का क्वेश्चंस मैं आपको एक एक करके दूंगा और आप खुद ही देखना कि वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो मैं टाइम को गवाए बिना चाहूंगा एक चैप्टर को स्टार्ट कर लूँ, बाकी जो बात हम लोग चैप्टर में ही करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन्स ने अपने पहले लॉ में दो वर्ड को बार बार मेंशन किया है और इससे पता चलता है कि फर्स्ट लॉ में वो क्या मिला, क्या कंसेप्ट मिला। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स पहला नंबर वन कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया। ये दो वर्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि दो वर्ड जो मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने इसको क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। क्यों सर? कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। गौर कीजिएगा मेरी बात को। न्यूटन्स ने अपने पहले लॉ में ही बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में रहेगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मतलब अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। और अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कैसे मूव कर रहा है, विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो वो लगातार उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। लेकिन कब? तब तक ऐसा होगा जब तक कि बाहर से कोई भी फोर्स नहीं आए, जब तक कि बाहर से कोई भी फोर्स नहीं आए। इसका मतलब हो गया कि इस टॉपिक के अंदर, इस लॉ के अंदर फोर्स वर्ड का यूज़ किया गया है। और दूसरा वर्ड यूज़ किया गया है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है खुद को बरकरार रखना, कंटिन्यू करना उसी स्टेट के साथ जिस स्टेट में वो है। अब इस बात को थोड़ा समझते हैं हम लोग अच्छे से कि ये क्या बोलना चाहता है ये लॉ। आइए देखते हैं, इसको हम एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब क्या दिखा रहे हैं हम यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो रेस्ट में है। पहला ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है, मतलब कि अगर ये रेस्ट में है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? ज़ीरो होगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो तब तक वैसे ही पड़ा रहेगा जब तक कि बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है। आप बाहर से फोर्स लगाएंगे वो मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी ये जो रेस्ट है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन आप ऐसा कब तक देखेंगे? जब तक कि कोई बाहर से फोर्स ना आए। और आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अभी तक रेस्ट में है, अभी तक रेस्ट में रहे, यार ये मूव क्यों नहीं कर रहा, तो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्रिएट हो जाएगा, अच्छा इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा। फोर्स नहीं लगाने का मतलब होता है बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा। फोर्स नहीं लगाने का मतलब क्या होता है? बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, मतलब कि ये हो गया इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। अगर इफ एक्सटर्नल जीरो है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, वो मोशन में नहीं जाएगा, तो ये स्टेट कंटिन्यू करेगा। इस स्टेट को कंटिन्यू करना इज कॉल्ड इनर्शिया। लेकिन ये इनर्शिया क्या चीज़ का इनर्शिया है, क्या चीज़ कंटिन्यू कर रहा है? रेस्ट को कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए इसका नाम होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या नाम होगा इसका? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ गया अच्छे से बात? इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ गए। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कब फॉलो होगा? जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। ये किसने बताया? न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में बताया। उसके बाद सेकेंडली आप देख लीजिए कि ये दूसरा एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, और मैं बता रहा हूँ क्या कि ये ऑब्जेक्ट ना मूव कर रहा है विद वेलोसिटी। मैं क्या बता रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है विद वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कुछ ही मानना पड़ेगा हम लोग को। चलिए मैं मान लेता हूँ कि इसका वेलोसिटी जो है वो वी मीटर पर सेकेंड है। कितना है सर? इसका वेलोसिटी वी मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो चलिए मैंने लिख दिया वी मीटर पर सेकेंड। अब आप देख रहे हैं कि यार ये जैसे मूव कर रहा है लगातार इसी वेलोसिटी से मूव करते ही जा रहा, ना बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, ना बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हुआ कि जरूर इसको कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, इस पर कोई छेड़छाड़ी नहीं कर रहा फोर्स का, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, आप पीछे से धक्का मारेंगे, तो पीछे से धक्का मारने से क्या होगा? चूंकि आप धक्का इसकी वेलोसिटी के अलोंग मार रहे हैं, इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, एंड वेलोसिटी का बढ़ जाना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है और आप क्या करेंगे, इधर से धक्का मारेंगे, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा? घट जाएगा, इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो ये एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन या वेलोसिटी में बदलाव तभी आएगा जब आप बाहर से फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप देख रहे हैं लगातार ये इसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी बाहर से कोई फोर्स नहीं है, मतलब कि अगर फोर्स होता तो या तो ये वेलोसिटी बढ़ता, फोर्स अलाउंग होता वेलोसिटी के तो वेलोसिटी बढ़ जाता, फोर्स अगेंस्ट होता वेलोसिटी के तो घट जाता, ना ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है। इसका मतलब कि इसके ऊपर इस मोशन के अलॉन्ग में, मोशन के लाइन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है और लगातार इसी स्टेट को कंटिन्यू कर रहा है। तो कंटिन्यू करना है इसको इनर्शिया, लेकिन इस बार क्या चीज़ का इनर्शिया, ये क्या चीज़ कंटिन्यू कर रहा है इस मोशन को जो यूनिफॉर्म मोशन है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। याद रखना इनर्शिया ऑफ मोशन में कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होता है, किसमें होता है सर, यूनिफॉर्म मोशन में होता है, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ना बढ़ेगा ना वो घटेगा, यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गया अच्छे से आपको, यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों कंसेप्ट एक्सप्लेन किए थे हमारे प्यारे साइंटिस्ट न्यूटन लॉ ने, है ना, उन्होंने एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को। अब बात आप लोगों को समझ में आ गया कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है। अब बात यहाँ पे फोर्स का आया है, इस चैप्टर के अंदर ने न्यूटन्स ने फोर्स के बारे में बात किया है लेकिन फोर्स को डिफाइन नहीं किया। तो अगर आपसे पूछेगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो क्या फोर्स डिपेंडेंट है, तो आंसर है ना फोर्स इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ फोर्स है ही नहीं ना, फोर्स तो यहाँ है ही नहीं इस चैप्टर में। हाँ, फोर्स क्या नहीं होने के बाद ही ये लॉ आया है, क्लियर है ना। तो एग्जाम में छोटे छोटे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब अगर बात हो गया है कि फर्स्ट लॉ में अगर फोर्स और इनर्शिया कंसेप्ट को दिया गया है, तो अगला लॉ क्या होगा, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होगा, तो जो बाकी है उसके बेसिस पे ही लॉ आएगा ना, जो बाकी है उसके बेसिस पे ही लॉ आएगा। तो अब सेकेंड लॉ में उन्होंने बताया फोर्स के डेफिनेशन को, उन्होंने बात किया फोर्स के बारे में और उसको डिफाइन कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये बैठा होता है कि फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। फोर्स के सेकेंड लॉ में आप, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में आप देखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो है ये कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट कुछ और ही है। हाँ, ये बात अलग है कि फोर्स का इक्वेशन मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन इसका तो ये नहीं है कि ये फोर्स का मेन डेफिनेशन है। आइए मैं दिखाता हूँ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ समझते हैं इसको अच्छे से। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या दिया, गिव्स द कंसेप्ट ऑफ, गिव्स द डेफिनेशन, कंसेप्ट नहीं, गिव्स द डेफिनेशन, डेफिनेशन बहुत लोग बोलता है, बहुत लोग बोलता है इक्वेशन, डेफिनेशन या फिर इक्वेशन ऑफ फोर्स, वो इस लॉ में ही दिया गया। कैसे दिया गया ये समझते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं थोड़ा आपसे टाइम लूँगा, आप बात को समझना। मैं यहाँ फिर से एक फ्रेम क्रिएट करता हूँ ताकि समझने में आप दोनों अपनों को आसानी हो। ये एक फ्रेम मैंने बना दिया और ये क्लोन करके दूसरा फ्रेम। चलिए अब मान लेते हैं कि आप लोगों को उम्मीद होगा इस बात पे कि मोमेंटम के बारे में सर पढ़ाएंगे, लेकिन मोमेंटम इस टॉपिक में पढ़ाने का चीज़ नहीं है। फिर भी अगर कोई बच्चा अगर नहीं जानता है तो मैं एक बार मोमेंटम को भी डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि बिना मोमेंटम के आपको न्यूटन सेकेंड लॉ समझ में नहीं आएगा। तो आइए मैं मोमेंटम डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम दूंगा बस कंप्लीट हो जाएगा न्यूटन। चलिए मोमेंटम, मोमेंटम क्या चीज़ है, मोमेंटम क्या चीज़ है, देखिए इस चीज़ को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम को होता क्या है, ये सपोज कर लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये हैंड मेरा हाथ है, ये रेस्ट में, आप इसको चाहेंगे कि इस पर फील करना, तो मुझे इस मास को क्या देना होगा, वेलोसिटी देना होगा। अगर आप इस मास को वेलोसिटी नहीं देंगे, मास को वेलोसिटी नहीं देंगे, तो ये आपके ऊपर एक्ट नहीं होगा। मतलब कि कोई भी बॉडी जब किसी के ऊपर एक्ट करता है तो मेनली अपना क्या एक्ट करता है, तो जो वो गेन करता है वही उस पर एक्ट करता है, जो वो गेन नहीं कर सकता है वो एक्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब जब इस मास में वेलोसिटी लाएंगे तो ये एक मोमेंटम गेन करेगा, मास और वेलोसिटी। देखिए मास है वेलोसिटी नहीं है तो भी एक्ट नहीं होगा, वेलोसिटी है मास नेग्लिजिबल है तो भी एक्ट नहीं होगा। मतलब कि एक्ट दो चीज़ हो रहा है, मास और वेलोसिटी बोथ एक साथ एक्ट हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी उसके ऊपर एक्ट हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोमेंटम क्या है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा बात कि मोमेंटम उधर ही एक्ट होगा जिधर वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी अगर इस साइड तो मोमेंटम इधर एक्ट होगा, वेलोसिटी अगर इस साइड तो मोमेंटम इधर एक्ट होगा, है ना। तो मोमेंटम मेनली किस साइड पे एक्ट होता है, जिस साइड में वेलोसिटी एक्ट हो रहा है, तो इसलिए मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। मतलब कि मोमेंटम ही वेक्टर क्वांटिटी हो गया और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। RHS इज इक्वल टू LHS, राइट साइड का डायरेक्शन इज इक्वल टू लेफ्ट साइड का डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी राइट होगा तो मोमेंटम राइट होगा, अगर वेलोसिटी लेफ्ट होगा तो मोमेंटम लेफ्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मोमेंटम कैसे इंक्रीज हो सकता है? मोमेंटम इंक्रीज हो सकता है मास इंक्रीज करके, आइदर मास इंक्रीज करके और वेलोसिटी इंक्रीज करके। मोमेंटम कैसे डिक्रीज होगा? तो आइदर मास डिक्रीज करके या फिर वेलोसिटी डिक्रीज करके, क्योंकि दो में से कोई भी इंक्रीज होगा तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, और दो में से कोई भी अगर डिक्रीज हो जाएगा तो वेलोसिटी या मोमेंटम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ये एक वॉल है और वापस ये वही वॉल है, ठीक है। अभी इसको एक छोटा सा कार आके इसको, जिसका मास स्मॉल एम है, वेलोसिटी इसका मान लेते हैं कि वी है, और यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रक है जिसका मास क्या है, जिसका मास कैपिटल एम है, और वेलोसिटी क्या है इसका, सेम है। अब दोनों का वेलोसिटी सेम है तो क्या लगता है कि दोनों जो मोमेंटम गेन करेगा, क्या सेम मोमेंटम गेन करेगा? आंसर होगा नो। जो जिसका मास ज़्यादा वो ज़्यादा भारी होगा, वो जाके वॉल पे ज़्यादा जोर से हिट करेगा, वॉल टूट जाएगा, लेकिन इसके केस में उसका वॉल ना टूटे। तो ये जो वॉल पे मोमेंटम एक्ट करेगा, ये जो वॉल पे मोमेंटम एक्ट करेगा वो मोमेंटम होगा कितना, कैपिटल एम इंटू वी, और ये जो एक्ट करेगा कितना होगा, स्मॉल एम इंटू वी। तो मोमेंटम इसका ज़्यादा क्यों हो गया? तो मोमेंटम ऑफ कार ग्रेटर लेस देन मोमेंटम ऑफ ट्रक बिकॉज ऑफ हेवियर मास ऑफ ट्रक, है ना, क्योंकि उसका मास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक, इसी तरह से अगर मान लीजिए एक सिंपल कंसेप्ट मान लीजिए कि ये दोनों केस में ट्रक ही आ रहा है इसको हीट करने के लिए, दोनों केस में क्या आ रहा है सर, अभी ट्रक ही आ रहा है इसको हीट करने के लिए, ट्रक ही आ रहा है इसको हीट करने के लिए, ठीक है, ये आ रहा है ट्रक, सेम ट्रक यहाँ भी, सेम ट्रक यहाँ भी, तो ट्रक का मास क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, कैपिटल एम। लेकिन क्या दिखा रहा है कि इसका वेलोसिटी जो है यू है, और इसका वेलोसिटी क्या है, और वी है, और ऐसा मैं दिखा रहा हूँ कि वी ग्रेटर देन यू है, मतलब कि वो ट्रक, दोनों ट्रक का मास सेम है, लेकिन राइट साइड वाला ट्रक ज़्यादा तेज मूव कर रहा है, तो जो तेज वेलोसिटी से आ रहा है वो ज़्यादा मोमेंटम गेन करेगा और वॉल को तोड़ के हटा देगा, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मोमेंटम एक्ट होगा वॉल के ऊपर। तो अभी जो ये ट्रक है वो इस वाले वॉल पे कितना मोमेंटम ऐड करेगा, तो कैपिटल एम इंटू वी, और ये कितना ऐड करेगा, कैपिटल एम इंटू यू। तो इसमें कौन सा मोमेंटम ज़्यादा हो गया, तो ये अगर मान लो पहला केस, ये मान लो अगर दूसरा केस, तो दूसरा केस का मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो समझ में आगे हो गए बात कि मोमेंटम को इंक्रीज करने के लिए या चेंज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर मास चेंज कीजिए और वेलोसिटी चेंज कीजिए। दोनों के चेंज होने से मोमेंटम चेंज होगा, और दोनों में डायरेक्टली रिलेशन है, दो में से कोई भी बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, दो में से कोई भी घटेगा तो मोमेंटम घट जाएगा, ओके ना। तो मोमेंटम किससे डिसाइड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट करने के बाद जो मोमेंटम आया वो मोमेंटम है। अब इसको आप कंपेयर कीजिए किसी से कि ज़्यादा है कि कम है, वो प्रोडक्ट करने के बाद अपना कंपेयर करते रहिए अच्छे से। तो सिंपली ये कंसेप्ट हो गया क्या चीज़ का, मोमेंटम का। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ ने क्या किया, मतलब न्यूटन ने क्या किया कि इस सेकेंड लॉ के अंदर मोमेंटम को रिलेट कर दिया फोर्स से, और यहाँ से एक फोर्स का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर डेफिनेशन और साथ ही साथ उसका जो इक्वेशन है क्रिएट कर दिया। तो इस चीज़ को समझना है, आगे देखना है। आइए मान लेते हैं कि एक अंकल है और उनका ना कार कहीं पर रुक गया है, मतलब कि बहुत स्लो हो गया है उनका कार, और ख़राब होते होते वो बैठ के वो वहाँ पर रुक गया। अब अंकल वेट कर रहे हैं क्या कि कोई आता और मेरे कार को धक्का मारता तो मेरा कार स्टार्ट हो जाता। अब अंकल का इस उम्मीद में पानी फेरने एक बच्चा आ गया, ठीक है, अंकल को खुशी हुआ पहले कि चलो एक लड़का आया है, कम से कम गाड़ी को धक्का देगा तो मेरा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। अभी अंकल के गाड़ी का कुछ ना कुछ तो मास जरूर होगा, लेकिन बेचारा का वेलोसिटी क्या है, अभी जीरो है। तो अभी अंकल के कार का इनिशियल मोमेंटम क्या है, आप देख रहे हैं इनिशियल मोमेंटम देख रहे हैं जीरो, क्योंकि उसके पास मास तो है, वेलोसिटी नहीं है, देयरफॉर अभी कार ने कुछ भी मोमेंटम गेन नहीं किया है, ओके, ठीक है। अब क्या हुआ कि पीछे से जो लड़का आया, अंकल ने बोला कि बेटा एक काम करो, मेरा गाड़ी बहुत देर से रुका हुआ है, प्लीज़ तुम थोड़ा धक्का दे दो, मेरा तो एज बहुत ज़्यादा है, हम गाड़ी को धक्का नहीं दे पा रहे। अब उस लड़के को जो था ना कि गाड़ी को धक्का देने का मन नहीं था, तो उसने एक दिखावे के लिए सिर्फ अंकल को कि मैं वो ना नहीं बोल रहा है, कोशिश कर रहा है, वो गाड़ी पे हाथ रखा, कोशिश किया और हट गया वहाँ से। तो बोला अरे अंकल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो अंकल क्या बोले, अंकल का स्टेटमेंट ये था कि अरे बेटा थोड़ा कोशिश तो करो, थोड़ा और टाइम दो, रुको देखो हो घसक जाएगा, थोड़ा सा वेट तो करो। अंकल ने बताना चाहा कि अगर आप कार के मोमेंटम को बढ़ाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, देखो बढ़ने का मतलब भी चेंज होता है, घटने का मतलब भी चेंज होता है, तो अभी अंकल का चेंज का मतलब बढ़ाना है, तो मेरा मेन फोकस चेंज इन मोमेंटम पे। मतलब अंकल बोलना चाह रहे हैं कि अगर बेटा आप चाहते हो कि मोमेंटम को चेंज करें, तो किसी चीज़ के आगे अगर चेंज लगा डेल लगाते हैं तो चेंज जाता है, पी मतलब मोमेंटम, डेल पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो आप अगर चेंज चाहते हैं तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम मतलब टाइम को चेंज होने दो, जीरो सेकेंड, एक सेकेंड, दो सेकेंड, तीन सेकेंड, चार सेकेंड, टाइम को भी चेंज होना पड़ेगा। तो इसलिए टाइम भी यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेल्टी। डेल्टी का मतलब चेंज इन टाइम होता है, और यही होता है टाइम टेकन, जितना टाइम बदल रहा है उतना ही टाइम लग रहा है। तो बोला नहीं अंकल, अंकल हम जा रहे हैं, हमको हमसे नहीं होगा।
फिलहाल अंकल ने इक्वेशन बना लिया कि इस लड़के ने टाइम नहीं दिया इसलिए मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, और वो बोलने लगे कि अगर कोई टाइम देता, टाइम तक लगा के रखता उस फोर्स को, तो वो गाड़ी जो है मेरा वो मोमेंटम गेन कर लेता, इंक्रीज हो जाता। तो चेंज इन मोमेंटम तभी आएगा जब कोई फोर्स आए, सिर्फ फोर्स आना ही यहाँ पे मैटर नहीं करता है। जैसे अभी इस केस में देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बेचारा फोर्स आया, देखो अभी यहाँ पर ये जो फोर्स है वो फोर्स आया है ना, लेकिन फोर्स जो आया लेकिन इस तरह से नहीं आया कि टाइम दे उसको, फोर्स आने के बाद उसको टाइम नहीं मिला। तो इस केस में अंकल को गुस्सा आ गया होगा थोड़ा सा कि भाई इसको मन नहीं है। तो अभी मोमेंटम क्यों चेंज नहीं हुआ, फोर्स होते हुए भी क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि टाइम नहीं दिया। तो अंकल का इक्वेशन क्या निकल गया, फोर्स डायरेक्ट चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितना टाइम देंगे वो धीरे धीरे मोमेंटम इंक्रीज होगा। उसके बाद अंकल वेट करने लगे दूसरे बच्चे का, बोला ठीक कोई ना कोई तो तुम जाओ, तुम मत करो, कोई ना कोई तो आएगा जो मेरी मदद कर देगा, भगवान बहुत बड़ा है। और अंकल का ये भगवान ने अंकल का ये बात सुन लिया और एक लड़के को भेज दिया। वो लड़का काफ़ी कोशिश किया, हालांकि उसके पास भी उतना फोर्स नहीं था, लेकिन अंकल का जो उदास चेहरा था उसके वजह से वो थोड़ा कोशिश करने लग गया कि नहीं नहीं अंकल गाड़ी मेरे को स्टार्ट करके देना है। और इस बच्चे ने जो फोर्स लगाया, मैं उसके कलर को डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ, एक मिनट जस्ट फ्रेम कर दो इसको, मैं रेड कलर दिखा देता हूँ। इस बच्चे ने भी फोर्स लगाया, मान लो इसने भी उतना ही फोर्स लगाया जितना उसने लगाया था, इसने भी सेम ही लगाया, लेकिन ये बच्चा वेट किया टाइम के साथ तो गाड़ी स्टार्ट हो गया। गाड़ी क्या मतलब कि गाड़ी जो है मूव करने लग गया, कार जो है मूव करने लग गया, कार मूव करने लग गया। तो अंकल बोले वो मतलब ये इक्वेशन मेरा सेटिस्फाइड हो गया अब, ठीक है। अब अंकल को इक्वेशन दूसरा कुछ और बनाना है, अब अंकल देखना चाहते हैं फोर्स का कंसेप्ट भी, ठीक है। क्या देखना चाहते हैं, फोर्स का कंसेप्ट भी देखना चाहते हैं, क्लियर है। अब फोर्स का कंसेप्ट कैसे देखेंगे कि अगर मान लो ये बच्चा टाइम दिया, टाइम अगर नहीं देता तो क्या मोमेंटम चेंज होता, हाँ हो सकता था। टाइम अगर कम दे रहे हैं तो फोर्स बहुत जोर से लगाइए, टाइम अगर आपके पास नहीं है, कम टाइम है तो आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से ज़्यादा फोर्स लगा दीजिए। जैसे कोई आदमी फुटबॉल को एक बस मारता है, फुटबॉल उड़ जाता है, वहाँ तो टाइम बहुत कम लगता है लेकिन मोमेंटम बहुत गेन होता है। तो अंकल ने समझा कि अच्छा कि यह टाइम का इक्वेशन तो है ही है लेकिन साथ में फोर्स का भी। अब मान लो कि जिस लड़के ने धक्का मार के गाड़ी अंकल का स्टार्ट कर दिया, अंकल गाड़ी स्टार्ट कर दिया, तो अंकल क्या सोचेंगे कि चलो अगर फिर से गाड़ी रुक जाता है तो फिर किसी और लड़के से धक्का मरवाएंगे, या अंकल ने दोनों लड़के को साथ में धक्का मारो, दोनों को सेम टाइम दिया, दोनों लड़के को। अब मान लीजिए कि अंकल का गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मैंने कुछ कंडीशन यहाँ पर डाला अपने हिसाब से, गाड़ी को धक्का मार रहा है, अब दोनों बच्चा एक साथ धक्का मार रहा, दोनों सेम टाइम का धक्का मारा, लेकिन देख रहा है एक बच्चा का गाड़ी तेजी से भाग रहा है, एक बच्चा गाड़ी कम स्पीड से भाग रहा है। तो अंकल बोलेंगे रही यार इसको तो बहुत ताकत है, दोनों को सेम टाइम दिया लेकिन उसी टाइम ये देखो इतना धक्का मार के मोमेंटम चेंज कर दिया, जरूर इसका ताकत बहुत ज़्यादा है। तो अंकल कंक्लूड कर लेंगे इस चीज़ को कि इसका मतलब कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो सिर्फ टाइम पे नहीं, फोर्स पे भी डिपेंड करता है। ओके, इक्वेशन नंबर क्या आ गया, टू आ गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, टू आ गया। और इस हिसाब से अंकल ने अब इक्वेट करके फाइनली नेट इक्वेशन बना लिया, क्या कि चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जस्ट वेट, मैं थोड़ा फ्रेश करके आप लिख रहा हूँ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड टाइम, दोनों पे डिपेंड करेगा। अब जब आप यहाँ से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, हमेशा कुछ ना कुछ इक्वेशन में कांस्टेंट आता है जब आप किसी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, यहाँ पे भी आएगा लेकिन यहाँ पे वन आता है, इसलिए यहाँ पे वन लिखने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, एफ इंटू डेल टी इज इक्वल टू डेल पी। आप जितने समय तक फोर्स लगाएंगे वो क्या करेगा, मोमेंटम चेंज करेगा। तो चेंज टाइम ज़्यादा लगाओ तो भी मोमेंटम बढ़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाओ तो भी मोमेंटम ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब चेंज होगा। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब अंकल को उन दो लड़के को कंपेयर करना है, उन दो लड़के को जो एक साथ फोर्स लगाने की कोशिश किया, सेम टाइम तक फोर्स लगाया और गाड़ी का मोमेंटम करना है, तो क्या कि अंकल ऐसा इक्वेशन बना दिए, डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू एफ, डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू एफ। और अंकल बोले ले बेटा तुम लोग दोनों देखो, तुम लोग में दोनों में चलो ठीक है, दोनों कोशिश कर, दोनों का टाइम सेम है, लेकिन अगर दोनों बच्चों को एक सेकेंड दिया जाए, दोनों बच्चों को अगर एक सेकेंड दिया जाए तो जो एक सेकेंड में ज़्यादा मोमेंटम चेंज करेगा उसका फोर्स ज़्यादा होगा, और जो एक सेकेंड में कम मोमेंटम चेंज करेगा उसका फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो डेल पी बाई डेल टी का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इन वन सेकेंड। कैसे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं सर, आप डेल टी समय में कितना मोमेंटम चेंज कर रहे हैं, डेल पी, तो एक सेकेंड में आप कितना चेंज करेंगे, डेल पी बाई डेल टी। तो डेल पी बाई डेल टी क्या होता है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये भी हो गया मोमेंटम, एक मिनट, मोमेंटम या फिर चेंज इन मोमेंटम इन वन सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इन वन सेकेंड। कोई भी चीज़ अगर एक सेकेंड में चेंज हो तो उसको रेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चाहिए किसका रेट है, ये चेंज इन मोमेंटम इन वन सेकेंड, वन सेकेंड में कौन बदल रहा है, मोमेंटम। तो रेट किसका है, मोमेंटम का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और अगर कोई एक सेकेंड में ज़्यादा मोमेंटम चेंज कर रहा है तो उसका फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक सेकेंड में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वही क्या है, फोर्स है। तो ये रहा डेफिनेशन आपके पहले टॉपिक का, कि जो मोमेंटम होता है वो क्या है, वो फोर्स जो होता है वो क्या है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही है। जो आप एक सेकेंड मोमेंटम चेंज करेंगे वो फोर्स है, क्लियर है। इस टॉपिक को पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर अगला टॉपिक, एक मिनट, स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर ये दूसरा स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, अभी हम लोगों ने इक्वेशन देखा कि फोर्स एक्चुअली क्या डिफाइन हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। आप जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से उसका मोमेंटम पर सेकेंड चेंज करेगा, और आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तो पर सेकेंड उसका मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गया, फोर्स जिधर लगाएंगे मोमेंटम का चेंज उधर ही होगा। फोर्स आप अगर लेफ्ट लगाएंगे तो वो चेंज इन मोमेंटम लेफ्ट होगा, फोर्स अगर आप फोर्स आप राइट लगाएंगे तो चेंज मोमेंटम पर सेकेंड राइट में होगा। तो यहाँ बात वेक्टर का भी है। बहुत सारा बच्चा फोर्स का इक्वेशन लिखता है डेल पी बाई डेल टी, ये कंप्लीट इक्वेशन है, सही बात है, लेकिन कुछ जगह पे अगर मोमेंटम जो है वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है उनके बीच एंगल हो जाएगा तो इससे आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये आप, इसलिए मैं बच्चों को बताता हूँ कि कुछ चीज़ का आप आदत डाल लीजिए ताकि आपके पास वो जो बोलते हैं सिली मिस्टेक हो गया। मैक्सिमम बच्चा लिखता है एफ इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, क्या लिखता है, डेल पी बाई डेल टी लिखता है। और मैं क्या बता रहा हूँ कि इसका नेगेटिव क्या रोल है वो मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा, एक बात और, अगर चेंजेस बहुत छोटा छोटा हो तो उस वक्त बच्चा क्या लिखता है, डी पी बाई डी टी, क्या लिखता है। देखो डेल पी और डी पी में बस इतना सा फर्क है, डेल पी मतलब कि चेंज इन मोमेंटम, वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन जब डी पी लिख देगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो छोटा ही होगा। तो स्मॉल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इज कॉल, है ना, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम इन स्मॉल टाइम, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम बाय स्मॉल टाइम, टाइम से डिवाइड हुआ है तो एक सेकेंड में, ये भी एक सेकेंड में, ये भी एक सेकेंड में है, लेकिन ये स्मॉल के चेंजेस को डिवाइड करके एक सेकेंड में निकाल रहा है और ये बड़े चेंजेस को डिवाइड करके एक सेकेंड में निकाल रहा है, समझ रहे ना। तो यही फर्क है। तो बच्चा लोग या तो ये इक्वेशन यूज़ करता है या ये इक्वेशन यूज़ करता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इससे गलती हो जाता है। एग्जाम्पल तो मैं बताता हूँ, एक मिसाल भी दे देता हूँ। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और इसका मास मान लेते हैं 1 kg है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास 1 इंटू वेलोसिटी 10 इंटू 1 क्या हो गया, 10 हो गया। यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड, 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है, ये मोमेंटम क्या है इसका, 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब ये वॉल से टकराया, वॉल से टकराया, वॉल ने फोर्स लगाया और इसका मोमेंटम इधर चेंज हो गया, लेकिन मान लो फोर्स लगने से मोमेंटम ऐसे चेंज हुआ कि वैल्यू वैसा का वैसा ही रह गया। अब सवाल है सर ऐसा कैसे हो गया, तो मैं ये समझाऊंगा आगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इलास्टिक कोलिजन के अंदर बताया जाएगा ये बात आपको। फिलहाल ये अब वापस 10 मीटर पर सेकेंड से इस साइड जा रहा है, पहले इधर जा रहा था तो मोमेंटम था 10 kg मीटर पर सेकेंड, अब क्या है, 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब बच्चा बोलेगा कि हाँ कहाँ चेंज हुआ, पहले भी 10 था अभी भी 10 है, तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन तो चेंज हुआ ना, और मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ भी अगर चेंज हो गया तो मतलब चेंज हो गया। क्या ये चेंज नहीं है, बिल्कुल चेंज है। क्या ये अपने आप खुद ही घूम जाएगा, बिना फोर्स लगाए कोई घूम सकता है क्या, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, चाहे किसी मशीन के थ्रू या किसी ड्राइविंग चीज़ के थ्रू, तब फोर्स लगता है तब वो घूमता है। इसका मतलब फोर्स से मोमेंटम चेंज हो सकता है, मतलब मोमेंटम का वैल्यू भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी। तो जो बच्चा सिर्फ इसको लेकर चल रहा है ना, तो डायरेक्शन चेंज होते वक्त वो गलती कर देगा, क्योंकि उसको लेगा 10 kg मीटर पर सेकेंड, 10 kg मीटर पर सेकेंड, आंसर जीरो हो गया, क्योंकि वो डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ डायरेक्शन को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप हमेशा लिखेंगे इक्वेशन वेक्टर एरो के साथ, मतलब ये आपका इक्वेशन जो होगा ये ज़्यादा अच्छा इक्वेशन होगा, ये ज़्यादा अच्छा इक्वेशन होगा, समझे बात, ये हो गया है ना। अब इतना आपको समझ में आ गया कि ये फोर्स का मेन इक्वेशन हो गया। इसका मतलब अब आने वाला जितना भी केसेस होगा मोमेंटम चेंज का या फोर्स का, वो यहीं से ड्राइव होगा, सारा फोर्स का इक्वेशन यहीं से आएगा, मेन इक्वेशन यही है, और एरो के साथ आप यूज़ कीजिए, ठीक है।
अब इसको हम थ्री फॉर्म में डिवाइड करने वाले हैं। क्या कैसे डिवाइड करने वाले हैं, इस चीज़ को देखिए अच्छे से, एकदम आराम आराम से पढ़िए। अब तक आपको क्लास 11 में ऐसा लगा हो कि आपका फिजिक्स हिल गया है, बेस खराब हो गया है, जस्ट इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आपको उस लेवल का अब तक एजुकेशन नहीं मिला है। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ही होता है जो टफ से टफ टॉपिक को आपके लिए क्या कर दे, आसान कर दे और साथ में लेवल भी मेंटेन करे। चलिए अभी तो लेक्चर स्टार्ट ही हुआ है तो लेवल तो मैं भी नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जस्ट आपको इतना समझा सकता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक मिनट में इसको पहले अरेंज कर दो। ओके, क्लोन कर लेता हूँ और बहुत से एरो को निकाल लेता हूँ। केस वन, केस टू और केस थ्री क्या करने वाले हैं सर? मैं बता रहा हूँ क्या करने वाला हूँ। मैं भी इस केस में आप लोगों को बताऊंगा कि फोर्स का तीन इक्वेशन आएगा। यहाँ से फोर्स का कितना इक्वेशन आएगा? तीन इक्वेशन। पहला कंडीशन क्या है? पहला केस में जनरली हम जब देख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास लगभग क्या होता है, सेम ही होता है। हम जब किसी ऑब्जेक्ट के फोर्स लगाते हैं, एग्जांपल के तौर पे मान लें यहाँ पे कोई बॉटल या पेन रखा हुआ, सपोज ये पेन ही रखा हुआ है, तो आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम क्यों चेंज हो रहा है? मास तो वही है, तो फिर क्या, मोमेंटम से मास पे डिपेंड करता है क्या? वेलोसिटी भी तो करता है, तो मोमेंटम इसलिए चेंज हुआ क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुआ। मतलब इस केस में चेंज का जो टर्म है वो मास के साथ नहीं आएगा, वो वेलोसिटी के साथ आएगा। और मोमेंटम दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों में से कोई भी एक बदल जाएगा तो मोमेंटम में से, मतलब कि मास और वेलोसिटी में से दोनों में से कोई भी एक बदल जाएगा तो मोमेंटम बदल जाएगा। ओके, ठीक है। तो पहला केस मैंने क्या बनाया यहाँ पे कि चलिए ये मास यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट। मास यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट। अब देखते हैं जब मास कांस्टेंट है तो फोर्स का इक्वेशन क्या आएगा। तो इस केस को मैं केस वन करके यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से देखना। केस वन करके मैं इसको बता रहा हूँ, जस्ट वेट। अब देखो आप, ये हो गया केस वन। केस वन में हमने क्या रखा, मास को कांस्टेंट रख दिया। मास क्या रख दिया हम लोगों ने, कांस्टेंट रख दिया। ओके सर, सही है। अब हम इस चीज़ को ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है कैपिटल एम, और जिस वक्त आप देखे उस वक्त वेलोसिटी क्या था इसका, वी वन। जिस वक्त आप देखे मतलब आपका टाइम वहीं से स्टार्ट हुआ, तो मान लीजिए आप 0 सेकंड पे आप देखे, t1 इज इक्वल टू 0 सेकंड पे आपने देखा तो वेलोसिटी क्या था, v1 था। और जिस वक्त आपने देखा उसी वक्त आपने उसके ऊपर एक फोर्स भी लगा दिया। उसी वक्त आपने उसके ऊपर क्या कर दिया बच्चा, आपने इसके ऊपर एक फोर्स भी लगा दिया। आपने चूंकि फोर्स लगाया है तो अब इसका क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा, कुछ भी तो होगा। तो चलो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने की वजह से इसका वेलोसिटी कुछ समय के बाद, मतलब टाइम अब चेंज हो जाएगा, कुछ समय के बाद जब यहाँ पहुँच गया इस जगह पे, तो tt इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ t सेकेंड, और अब इसका वेलोसिटी यहाँ पहुँचे क्या हो गया, v2 हो गया। लेकिन मास तो अभी भी क्या होगा, m ही होगा ना, मास अभी भी क्या होगा, m ही होगा। ओके सर, अब हमको निकालना है कि फोर्स कितना लगाया गया। तो फोर्स अगर आपको निकालना है तो आप एक काम कीजिए, फोर्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, मतलब चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड। तो पहले आप चेंज इन मोमेंटम निकालिए। तो चेंज निकालने से पहले इनिशियल मोमेंटम निकालिए, इनिशियल मोमेंटम वेक्टर के साथ, मास इंटू v1 वेक्टर, जिधर भी हो, राइट लेफ्ट जिधर भी हो, v1 वेक्टर से। कि फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा सर, फाइनल मोमेंटम मास तो वही है और क्या हो जाएगा, v2 वेक्टर। ओके सर, सही है। हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा सर, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा आपका, सॉरी चेंज इन मोमेंटम आएगा यहाँ से, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। तो दोनों में देखिए मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है, mv2, और ये कितना है, mv1। m कॉमन निकल जाएगा तो ये आ जाएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ये क्या निकल गया, मैंने आपको वेक्टर के साथ सिखाया है तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, डायरेक्शन के साथ आप काम कर रहे हैं। अच्छा, टाइम का बात कर लेते हैं सर। टाइम पहले कितना था, 0 सेकेंड। जब टाइम का वैल्यू क्या हो गया, t2 इज इक्वल टू t सेकेंड, तो मोमेंटम यहाँ से यहाँ हो गया। इस टाइम पे ये मोमेंटम, इस टाइम पे ये मोमेंटम, चेंज इन टाइम कितना हो गया, टाइम स्क्वायर क्वांटिटी, ये वेक्टर नहीं है। तो क्या आएगा, t2 माइनस t1। t2 क्या है, t2 t है और t1 क्या है, 0 है। तो ये डाल दिया, ये चेंज मोमेंटम। तो ये देयरफॉर फोर्स कितना होगा इस केस में, जो मैंने फोर्स एफ लिखा है, ये फोर्स का वैल्यू होगा चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू आपका आ गया है एम वी टू वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर डिवाइड बाई टाइम। और आप सभी बच्चे को पता होगा ये बात, हर एक बच्चा जानता होगा इस बात को, अच्छे से पता है सबको ये बात ऑलरेडी, कि जो टर्म यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे v2 माइनस v1 बाई t, याद आ रहा, कुछ याद कीजिए। एक्सेलेशन आपने पहले चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, वन डायमेंशन मोशन में,
चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, किसी भी चीज़ को आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो एक सेकेंड में बदल रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी इन वन सेकेंड, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कोई भी चीज़ एक सेकेंड में बदले तो उसको ये भी बोलते हैं रेट है वो, क्या चीज़ का, वेलोसिटी का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इस इन वन मतलब के एक्सेलरेशन। ओ माई गॉड सर, इसका मतलब अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके जगह पे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू, ये तो मास हो गया और ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, एक्सेलरेशन। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन के पास भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। और ये रहा हमारा इक्वेशन, क्या चीज़ का, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो फेमस इक्वेशन है, बाकी बच्चा सभी यूज़ करता है इसको, है ना। तो इस बात को समझ गए कि कैसे आया ये, जस्ट थोड़ा इसको शिफ्ट कर देता हूँ बस, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है वो हर जगह यूज़ नहीं होता है, बात समझे ना, ये हर जगह यूज़ नहीं होता है। ये तभी यूज़ होगा जब बॉडी का मास क्या रहेगा, जब मैंने इस इक्वेशन को कब लाया, जब यहाँ मास क्या रखा मैंने, तो कि मास बाहर निकल गया, सिर्फ कौन बदला, सिर्फ वेलोसिटी बदला पर सेकंड में। तो चूंकि वेलोसिटी पर सेकंड बदला तो मोमेंटम भी पर सेकंड बदला। देखो यहाँ पे गौर करो, तो यहाँ मैं इक्वेशन लिखता हूँ कि जब मास कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी वेरी करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो फोर्स होगा वो किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन मोमेंटम इन वन सेकेंड पे, वन सेकेंड पे, है ना। तो अभी चेंज मोमेंटम किस पे डिपेंड, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, मास तो बाहर निकल गया, तो चेंज किसके साथ हो रहा है, चेंज सिर्फ हो रहा है वेलोसिटी के साथ। तो बहुत लोग इसको ऐसे लिखता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मास में तो पर सेकंड चेंज नहीं हुआ, पर सेकंड चेंज किसमें, वेलोसिटी में, और वेलोसिटी का पर सेकंड ही क्या करेगा, मोमेंटम पर सेकंड चेंज कर देगा और जो क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। कुछ लोग इसको डिफरेंशियल फॉर्म ऐसे लिखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ओके, डी पी क्या होता है, डी पी क्या होता है, ये p होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब मास बोलेगा, देखो डी बाई डी टी का मतलब चेंज इन, डी लगने से मतलब चेंज होता है, स्मॉल चेंज, डी लगने से स्मॉल चेंज, चेंज मोमेंटम पर सेकेंड, भाई हमको मत चेंज करो, हम तो कॉन्स्टेंट है, हमको इस लिस्ट से बाहर कर दो, तो वो बेचारा बाहर निकल जाएगा। चेंज कौन हो रहा है पर सेकेंड, डी पी बाई डी टी, तो ये वेलोसिटी पर सेकेंड चेंज हुआ, इसके वजह से मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, पर सेकेंड चेंज होगा, जो कितना आएगा, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स। क्लियर है। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि ये पहले केस में कैसे इक्वेशन जो आया ए में आया फोर्स का, हर जगह यूज़ नहीं होगा, जब मास कांस्टेंट है तभी यूज़ होगा, ऐसे यूज़ नहीं होगा। क्लियर है ना। अब आइए देखते हैं इसका सेकेंड केस, केस नंबर टू में क्या है। अब हमने क्या किया कि इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट रख लिया, नहीं सर वेलोसिटी कांस्टेंट रख लेंगे तो फिर मोमेंटम चेंज कैसे होगा, तो सर मास चेंज करेंगे, तो सर मास कभी चेंज होता है, बिल्कुल होता है, करके दिखाते हैं मास चेंज। आइए इस चीज़ को समझाना है मेरे लिए एक स्ट्रगल का पार्ट होगा, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाता है, तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से समझो, और मैं होप इसको समझा दूंगा आप लोगों को अच्छे से, समझिए बात को अच्छे से कि ये क्या है। आप लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा देखा है जहाँ पे फोर्स लग रहा है लेकिन फोर्स लगने के बावजूद भी वहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, अब ऐसा कैसे हो सकता है सर। तो चलिए मैं बात को घुमाने फिरने से अच्छा सीधे पॉइंट पे आता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। देखना घर में कई बार हमारे कुछ बच्चा होता है और वो बच्चे बड़ों को रिक्वेस्ट करते हैं कि घोड़ा बनो, आप घोड़ा बनो, मैं आपके ऊपर चढ़ूंगा, आप घोड़ा बन के मुझे घुमाना, ठीक है। ये चीज़ होता है, सपोज़ कर लो मामा चाचा में से कोई भी एक आदमी क्या बन गया, घोड़ा बन गया, सपोज़ चाचा घोड़ा बन गया, तो चाचू अगर घोड़ा बन गया उसके ऊपर आप बैठ रहे हो, बच्चा बैठ गया, चाचू भी जोश में खूब आ गया, भगना को भतीजा को खिलाने के लिए जोर जोर से दौड़ने लगा। अब घर में आसपास में और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो देखते हैं कि अरे यार वो तो बड़ा मस्त घोड़े में दौड़ रहा है, हमको भी दौड़ना है। अब वो बोलेगा चाचू मुझे भी घोड़े पर बैठना है। जैसे ही वो घोड़े पर बैठेगा, मतलब फर्दर एक बच्चा और बैठेगा चाचू के ऊपर, तो घोड़ा स्लो हो जाएगा, बच्चा बोलेगा चाचू आप स्लो हो गए हो, तो फिर चाचू को लगेगा नहीं नहीं उतनी स्पीड से दौड़ते हैं चलो, तो चाचू क्या अगर स्पीड बढ़ाएगा, देखो यहाँ मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किया स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन देखो स्पीड इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि वो घट रहा है, और उतना ही बढ़ा रहा है जितना कि मेंटेन होकर पहले जैसा वेलोसिटी रहे। हालांकि चाचू ने वेलोसिटी बढ़ाया है, फिर भी अभी भी वो उतना ही स्पीड दौड़ रहे जैसे पहले दौड़े थे, जिस स्पीड से वो एक बच्चा को बैठा कर दौड़ रहे थे उसी स्पीड से दूसरे बच्चा को बैठा के भी दौड़ रहे, दो बच्चा को बैठा के भी दौड़ रहे हैं, दोनों केस में उनका वेलोसिटी सेम है। तो आपको फील हो रहा है ना कि वेलोसिटी कहाँ बढ़ा, वेलोसिटी उतना ही है। हालांकि चाचू जान रहा है कि उनको फोर्स लगाना पड़ा है, फोर्स लगाने के बाद भी वेलोसिटी नहीं बढ़ा, उतना ही है, बस चाचू ये फोर्स लगा रहे हैं ताकि वेलोसिटी मेंटेन रहे ना कि बढ़ जाए। तो मतलब कुछ फोर्स ऐसा भी होता है जो बॉडी पे वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए आता है, क्योंकि नेट वेलोसिटी नहीं दिखता है बढ़ता हुआ, तो ऐसा लगता है कि वेलोसिटी तो नहीं बढ़ रहा, फोर्स भी नहीं होगा, हालांकि वहाँ पे फोर्स होता है।
अब इस चीज़ को मुझे क्या करना है, आपको अच्छे से समझाना है, इस बात को समझिएगा अच्छे से तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ। चलिए अब मैं छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। आपने देखा होगा बहुत सा सामान पैक होता है, एक यहाँ से गिरता रहता है, वो बेल्ट मूव करता रहता है, सब पैकेट आगे जाता रहता है, वो पैकिंग होकर फिर आगे चला जाता है। वहाँ पे कुछ ऐसा ही सिस्टम बना होता है, इस तरह का कंसेप्ट ही लगता है वहाँ पे। कैसे? सपोज़ मैं किसी सैंड फैक्ट्री में गया, वहाँ पे सैंड को ये लोग क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं किसी पैकेट के अंदर में। उसके उन्होंने एक सिस्टम बनाया है यहाँ पे, उन्होंने इसमें सैंड बहुत सारा डाल दिया। जस्ट वेट, मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें बहुत सारा सैंड डाल दिया, ठीक है, बहुत सारा इसमें, मान लो इसमें सैंड उन्होंने डाल दिया। चलो सैंड को ये गलत हो गया, चलो ये उन्होंने सैंड डाल दिया बहुत सारा, ठीक है। अब सैंड डालने के बाद क्या होगा कि वो सैंड धीरे धीरे गिरेगा, सैंड धीरे धीरे गिरेगा, इसके थ्रू गिरेगा नीचे। तो नीचे में उन्होंने क्या किया है, नीचे में उन्होंने एक बेल्ट बनाया, नीचे में उन्होंने क्या किया है, नीचे में उन्होंने एक बेल्ट बनाया। जस्ट मैं वेट बुलाता हूँ, बेल्ट को बनाने के लिए मैं पहले शेप ले लेता हूँ। चलो ये रहा उनका बेल्ट, जिस बेल्ट पे वो सैंड मूव करेगा और आगे धीरे धीरे जाते रहेगा। चलो इसको मैं फिल कर देता हूँ कुछ कलर से, लाइक ये कलर अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ये कलर से फिल कर देता हूँ। और फ्रेम में भी इसको मैं ये इस फ्रेम से फिल करता हूँ, ये हो गया। और इसमें थोड़ा व्हील लगा देता हूँ ताकि वो व्हील उसको लेके मूव कर सके, ये मैंने व्हील लगा दिया, ठीक है। क्लोन कर देता हूँ, चलो ये व्हील लग गया। अब ये व्हील घूमेगा तो ये सैंड जो इसके ऊपर गिर रहा है, जो सैंड इसके ऊपर गिरेगा, जो भी सैंड इसके ऊपर गिरेगा, सपोज़ यहाँ से सैंड में गिरा रहा हूँ, ठीक है, सैंड में गिरा रहा हूँ, ठीक ना। सैंड को थोड़ा सा और थिक कर देता हूँ ताकि आसानी से दिखे। चलो ये सैंड गिरा रहा हूँ मैं इसके ऊपर, अभी सैंड गिर रहा है, जैसे ही गिर रहा है वो आगे, अब इसके साथ बेल्ट के साथ आगे बढ़ रहा है, बेल्ट के साथ क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है ना, बेल्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ेगा बेल्ट के साथ, तो इसका मतलब कि सैंड के पास भी क्या गेन होगा, सैंड के पास ही मोमेंटम गेन होगा, सैंड के पास भी गिर के वो मोमेंटम गेन होगा। कैसे गेन होगा, समझिए बात को अब दिमाग पे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस बात को समझने की कोशिश नहीं करता, छोड़ देता है इस टॉपिक को, बोले नहीं समझ में आया छोड़ देते, समझ में आएगा अभी आएगा। अब देखो मैंने क्या बताया कि अब जब फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब फोर्स एक्स में लगाएंगे तो मोमेंटम एक्स में चेंज होगा, फोर्स वाई में लगाएंगे तो मोमेंटम वाई में चेंज होगा। अभी जब ये सैंड गिर रहा था तो मान लेते हैं यहाँ से पर सेकेंड कितना सैंड आ रहा है, डी एम बाई डी टी, मतलब कि मास जो आ रहा है ऊपर से कितना आ रहा है, डी एम बाई डी टी आ रहा है एक सेकेंड में इतना। तो अभी जो डी एम बाई डी टी आ रहा है इसके पास वेलोसिटी वाई में है, एक्स में है क्या, नहीं। तो इस मास का जो पर सेकेंड आ रहा है, पर सेकेंड में उसका वेलोसिटी कुछ भी नहीं है एक्स में, लेकिन जैसे ही वो इस बेल्ट पे गिरा तो उसको इस डायरेक्शन में जाना है, मतलब कि इस डी एम बाई एक मिनट इस डी एम बाई, इस डी एम कलर चेंज करूँ ताकि अच्छे से दिखे, इस डी एम बाई डी टी को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, है ना, इस डी मेरिटी को वेलोसिटी मिलेगा। तो इससे होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही ये मास आएगा इस पे बेल्ट पे गिरेगा तो बेल्ट स्लो हो जाएगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से चाचू के ऊपर वो लड़का बैठ गया था तो चाचू स्लो हो गए थे। क्यों? क्योंकि किसी भी मास का इनर्शिया फैक्टर होता है, वो पड़ा हुआ है तो पड़ा रहना चाहेगा, वो अगर मूव कर रहा है तो मूव करते रहना चाहेगा। तो सर यहाँ पर इनर्शिया कहाँ से आया, आया ना क्योंकि जब सैंड गिर रहा था तो इसका इनिशियल मोमेंटम एक्स में क्या था, जीरो था, क्योंकि उसका कोई भी वेलोसिटी एक्स में नहीं था। और जब वो मूव कर रहा है तो वो बेल्ट जो है बोला चलो, तो जो जो सैंड आ रहा है वो उतर के ठहरना चाहेगा, वो मूव नहीं करना चाहेगा, ठहरना चाहेगा। इस ठहरने की प्रॉपर्टी से बेल्ट पे एक रुकाव, एक ठहराव आएगा, मतलब बेल्ट को रोका जाएगा, मतलब मास चाहता है कि आगे ना जाए लेकिन बेल्ट कोशिश करके ले जाएगा। तो होगा क्या इसमें, अगर मान लीजिए जिस वक्त आपने देखा उस वक्त मान लीजिए कि बेल्ट का वेलोसिटी जो था, बेल्ट का वेलोसिटी जो था वो वी मीटर पर सेकेंड था, कितना था, वी मीटर पर सेकेंड था। तो अगर ये मास गिरता रहा तो जो जो मास आएगा सब वो चाहेगा नहीं जाएंगे, तो एक टाइम वेलोसिटी घटते स्लो होते, लेकिन मास जैसे गिरा वो रुकना चाहा, लेकिन बेल्ट कोशिश करके ले गया, रुकना चाहा फिर ले गया, ऐसे करते बहुत सारा सैंड आ जाएगा और बेल्ट धीरे से रुक जाएगा। लेकिन ऐसा करने से तो फिर पैकिंग का काम रुक जाएगा, और पैकिंग का सिस्टम मैंने एक फॉर्मेट मेंटेन किया होता है, हर उसी सेकंड पे बालू आएगा उतने देर में पैक हो जाएगा चला जाएगा, इधर देखो जैसे आया आया आया, इसी रिदम पे चलता रहेगा, मतलब चीज़ों को एकदम उसी हिसाब से आना चाहिए, ना थोड़ा सा आगे ना थोड़ा सा पीछे, मतलब कि सिस्टम में इस तरह का फॉर्मेट सेटिंग होगा
कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आता जाएगा ताकि सिस्टम एकदम यूनिफॉर्म चलते रहे, उसी सेकंड में काम चलेगा। ओके, मतलब इस बेल्ट को अपना वेलोसिटी मेंटेन रखना है, लेकिन इसके ऊपर लगातार सामान गिरता रहेगा तो वेलोसिटी घट जाएगा, तो बेल्ट को हो जाएगा टेंशन। इसलिए इस सिस्टम के अंदर ऐसा सेंसर लगा होता है कि वो पकड़ लेता है कि जितना मास आ रहा है ना, वो मास जब आ रहा है तो मास के आने से एक फोर्स आ रहा है पीछे। कैसा फोर्स? जो बेल्ट को रोकना का चाहता है। ये क्यों आ रहा है ये फोर्स? ये फोर्स आ रहा है जब मास पर सेकेंड गिर रहा है उस बेल्ट के ऊपर और उस वेलोसिटी को गेन कर रहा है। तो उस गेन करने का मतलब क्या है? वो चाह रहा है कि हम उसको रोक दे। क्या चाह रहा है? कि हम उसको रोक दे। इसका मतलब कि इस मास के आने से बेल्ट पर रेजिस्टिव फोर्स आएगा, बेल्ट पर रेजिस्टिव फोर्स आएगा। मास के आने से बेल्ट पर क्या आएगा? रेजिस्टिव फोर्स आएगा। और अगर बेल्ट चाहता है कि वो इसी स्पीड से मूव करता रहे, तो जल्द से जल्द उसको इस फोर्स को मार के ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फोर्स लगातार इस बेल्ट पे एक्ट किया तो बेल्ट रुक जाएगा। इसलिए इस सिस्टम के अंदर में इसमें ऐसा सेंसर लगा होता है कि जैसे ही फोर्स आता है उतना ही फोर्स मशीन लगा देता है अंदर से। उतना ही क्यों लगाता है? क्योंकि ज़्यादा लगाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और कम लगाएगा तो फिर वेलोसिटी घट जाएगा। एकदम वो मशीन इस तरह से सेट किया जाता है, एग्जैक्टली सेम फोर्स लगा देता है मशीन। जितना फोर्स वहाँ से आ रहा है उतना, तो ये फोर्स जो आया वो मास पर सेकेंड आने की वजह से आया, और इस मास को उतना वेलोसिटी मिल जाए, उतना ही मिले, उससे ज़्यादा ना मिले, इसके लिए वो क्या लगा दिया? एक फोर्स लगा दिया। अब आप ये फोर्स निकालिए या फिर ये फोर्स निकालिए, दोनों फोर्स का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन नेट फोर्स क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि दोनों फोर्स बैलेंस हो जा रहा है ना। तो बच्चा के दिमाग में यही बात चल रहा होता है कि इस केस में भाई एफ नेट तो जीरो दिख रहा है, एफ नेट तो जीरो दिख रहा है, फोर्स तो है ही नहीं। क्योंकि एफ नेट जीरो है, अगर आपसे पूछेगा नेट फोर्स ऑन द बेल्ट इज इक्वल टू जीरो, फोर्स अप्लाई बाय द बेल्ट नॉट इक्वल टू जीरो, वो इतना अप्लाई किया है। फोर्स अप्लाई बाय द बेल्ट बाय विद द हेल्प ऑफ सैंड, जब सैंड आ रहा है उसकी वजह से कितना फोर्स आ रहा है, तो वो ये है, फोर्स अप्लाई बाय द सैंड, फोर्स अप्लाइड बाय द बेल्ट, दोनों आपस में इक्वल होगा, एन अपोजिट होगा, नेट फोर्स होगा। ये तो जीरो नहीं, ये तो जीरो नहीं है ना। तो इसीलिए बताया गया कि जब किसी सिस्टम का मास चेंज होगा, तो मास चेंज होने से भी आपको अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करना है, मास चेंज होने की वजह से भी अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करना है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इसको कैंसिल कर दे जो एक इनर्शियल फोर्स आ रहा है। तो ये फोर्स किसकी वजह से आया? इनर्शियल फोर्स की वजह से आया, इनर्शिया की वजह से आया, नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया? आप लिखेंगे फोर्स जो सैंड लगाया, फोर्स जो सैंड लगाया, ठीक है, कितना फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, कितना मोमेंटम सैंड घटाना चाहा, कितना मोमेंटम सैंड घटाना चाहा, तो जितना बढ़ाया है बेल्ट उसका मोमेंटम उतना ही घटाना चाहा होगा, क्योंकि बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसको बढ़ा दिया। तो जो मोमेंटम बढ़ रहा है सैंड का, वो चाह रहा था कि ना हो, तो सैंड का मोमेंटम कितना घटाना चाहता है? जितना उसको मिल रहा है, वो उसको नहीं लेना चाहता है। तो कितना मोमेंटम मिल रहा है उसको? अगर एरो लगा दे तो आ जाएगा ये डी बाई डी टी और ये मास इंटू वेलोसिटी। इस केस में चूंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा। बोले वो देखो भाई हम इस सिस्टम में बाहर गए, वेलोसिटी में लगातार क्या है? कांस्टेंट है। तो फोर्स क्यों आ रहा है? क्योंकि आप मोमेंटम चेंज कर रहे हैं। कैसे मोमेंटम चेंज कर रहे हैं? मास पर सेकेंड चेंज होने से भी तो ये फैक्टर चेंज कर जाएगा, और क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा, है ना। तो आप बोल सकते हैं थोड़ा देर के लिए कि डी बाई डी टी मोमेंटम का चेंज हुआ, कैसे हुआ? भी तो चेंज नहीं हुआ, फिर कैसे चेंज हुआ? क्योंकि मास चेंज कर गया। दो में से कोई भी एक चेंज करेगा तो मोमेंटम चेंज होगा, और इस मोमेंटम के चेंज होने की वजह से सिस्टम स्लो हो जाएगा। जितना मोमेंटम चेंज होगा वो स्लो करेगा, तो सिस्टम ऐसे ही चलते रहे, इसलिए बाहर से क्या कर देगा? फोर्स अप्लाई। तो ये फोर्स कौन अप्लाई किया? सैंड अप्लाई किया। मास के लगातार गिराते रहोगे मास, तो मास चेंज होगा, तो सैंड इतना रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा। जितना फोर्स रेजिस्टिव लगाएगा सैंड, ठीक इसका उल्टा बेल्ट फोर्स लगा देगा, ठीक उसका उल्टा, मतलब माइनस। रिएक्शन क्या होगा? दोनों का अपोजिट होगा, लेकिन वैल्यू दोनों का क्या होगा? सेम होगा, वी डी एम बाई डी टी और यहाँ पे एक माइनस। तो मेरा मेन फोकस इस टॉपिक के अंदर मैग्नीट्यूड पे, कितना मैग्नीट्यूड लगा? तो दोनों फोर्स अप्लाइड बाय द सैंड इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय द बेल्ट, दोनों इज इक्वल टू क्या आ गया? वी, इसलिए फैक्टर हटा दे रहा है, एरो हटा दे रहा है, क्योंकि मुझे वैल्यू देखना है डी एम बाई, क्योंकि अभी हमको डायरेक्शन नहीं देखना है। दोनों पे, दोनों अप्लाइड फोर्स सेम है, लेकिन सिस्टम पे एफ नेट क्या है? एफ नेट क्या है सिस्टम पे? सर एफ नेट जीरो है, इसलिए नेट वेलोसिटी सिस्टम का क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इस जगह पे जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो भी फोर्स आएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन क्या? मोमेंटम पर सेकेंड। कैसे चेंज करेगा सर? क्योंकि अब यहाँ पे वेलोसिटी नहीं, मास पर सेकेंड चेंज होगा तो भी सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? गेन होगा। इसका एक छोटा सा मिसाल आप ये भी कर सकते हैं, बैलून को फुलाते हैं, फुलाने के बाद छोड़ देते हैं, तो वेलोसिटी देखो अचानक वहाँ बढ़ता है, लेकिन मास निकलता है ना,
वहाँ से निकलता है बैलून, अब तो आप सिर्फ छोड़ते हैं, आप फोर्स लगाते हैं क्या? फोर्स नहीं लगाया, सिर्फ छोड़ते हैं, फिर बैलून भाग जाता है। कौन फोर्स लगाया? मास के निकलने से मोमेंटम चेंज हुआ, फोर्स लगा। लेकिन ये एग्जांपल सेकंड में एग्जैक्टली फिट नहीं होगा, वो थर्ड में फिक्स होगा, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये केस वन हो गया, उसके बाद अब आप आइए केस टू। देखिए अब ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आता है बात थर्ड केस का। थर्ड केस देखिए यहाँ पर है, एक बार मास कांस्टेंट वेलोसिटी वेरिएबल, एक बार वेलोसिटी कांस्टेंट मास वेरिएबल, और अब दोनों वेरिएबल। सर ऐसा भी हो सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मास बढ़ रहा है या घट रहा है उससे ही मोमेंटम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है उससे ही मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्योंकि मोमेंटम दोनों पर, मतलब ये भी बदल रहा है ये भी बदल रहा है, दोनों के बदलने से ही मोमेंटम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ना। तो ये जो केस मैंने एग्जांपल बैलून वाला दिया था वहाँ यही होता है, क्योंकि आप जब बैलून को भर के छोड़ देते हैं तो अंदर से हवा निकलता है, मास निकलता है पर सेकेंड, डी एम बाई डी टी निकलता है, इससे ही मोमेंटम चेंज हो रहा है, और साथ में वेलोसिटी भी बैलून से बढ़ता है, तेज भागता है, एक्सेलरेट करता भागता है, वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, तो वेलोसिटी भी बदल रहा और मास भी बदल रहा, दोनों के वजह से एकदम खतरनाक फोर्स बनता है, इसलिए बैलून एकदम सनकते हुए भागता है, एकदम देखना करते भाग जाता है। क्लियर? तो आ जाओ यहाँ पे, अब क्या होने वाला, कैसे भागेगा ये। तो अभी थर्ड केस में क्या होगा सर, केस थ्री ओके एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, केस थ्री जो है कहाँ चला गया, आ जाओ केस थ्री एम एंड वी दोनों क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो हमको तो पता है पहले से कि फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी, मतलब चेंज करता है कौन, मोमेंटम पर सेकेंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ओके आगे आइए, अब हम क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे इसके जगह पे एम और वी, अब दोनों वेरिएबल है, तो याद रखना जब दोनों वेरिएबल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक को छोड़ देते हैं, दूसरा को वेरी कर लेते हैं, प्लस फिर दूसरा को छोड़ लेते हैं, फिर दूसरा को वेरी कर लेते हैं। एग्जाम्पल तौर पर ऐसे, अभी एम भी वेरिएबल है, वी वेरिएबल है, तो पहले एम को कर लो डिफरेंशिएट, एम को चेंज कर दो पर सेकेंड, तो पहले वी को छोड़ दो, वी को छोड़ दो, तो क्या आ गया डी एम बाई डी टी, प्लस अब वी को छोड़, एम को छोड़ दो, अब इसको चेंज कर लो वी को डी वी बाई डी टी। अब आप गौर करो, कुछ याद आएगा आपको कि ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं। देखो पहला फोर्स क्या था, देखो एम डी बाई डी टी, फोर्स ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, फिर क्या था वी डी एम बाई डी टी, फोर्स ड्यू टू चेंज इन मास। ओके, इसका मतलब क्या, आप ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे ना, कि यहाँ पे दोनों के फोर्स है, वी डी एम बाई डी टी फोर्स ड्यू टू चेंज इन मास, अभी तो आया था क्वेश्चन ना, एम डी बाई डी टी फोर्स ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। अब इस सिस्टम में दोनों वेरी कर रहा तो दोनों वाला फोर्स होगा, वो वाला भी और वो वाला भी, सिंपल ऐसे सोच सकते हो, पिछले दोनों फोर्स को ऐड कर दो, फोर्स ड्यू टू चेंज इन मास, फोर्स ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। तो इसलिए बैलून पे क्या हो रहा है, दोनों फोर्स एक्ट हो रहा है, और यहाँ पर ही इसका इक्वेशन हो गया। इस हिसाब से मैं बार बार स्लाइड क्यों चेंज हो जा रहा है, तो इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, ये हो गया इसका फोर्स का इक्वेशन, है ना, ये मेन इक्वेशन हो गया। अब इस चीज़ को मैं लिस्ट बना करके मैं जहाँ पे पढ़ा रहा था एक जगह पे, वहाँ पे कर देता हूँ। तो थर्ड केस में क्या हो गया सर, थर्ड केस में वी एंड एम दोनों क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो अब क्या होगा, फोर्स का इक्वेशन जो होगा वो डी पी बाई डी टी में दोनों हो जाएगा, एक हो जाएगा वी डी एम बाई डी टी मास चेंज होने की वजह से फोर्स, प्लस एम डी बाई डी टी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से फोर्स। तो देख रहे हो फोर्स का तीन इक्वेशन आ गया, एक दो और तीन, लेकिन मेरे इक्वेशन कौन है, मेन तो पापा यही है, क्लियर ना। चलिए अब इसको आप अच्छे से क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या आपको देगा, एक वॉल, सपोज यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, और वॉल के ऊपर क्या करेगा, एक बॉल को हिट करेगा, एक बॉल को क्या करेगा, हिट करेगा। मैं इसको यहाँ तक ड्रॉ कर रहा हूँ, हालांकि वॉल यहीं तक होगा, जस्ट मैं एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ एज ए एक्सिस और कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या करना है कि इस पर एक बॉल को जस्ट हिट किया गया, इस पर एक बॉल को हिट किया गया, ठीक है, और वापस वो बॉल जितना एंगल से आया था वापस उतना एंगल से ही वापस क्या हो गया, टकरा के चला गया। समझ के बात इसको अच्छा से क्या है, तो समझिए मैं एक बार फिर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, क्लोन कर लो और यहाँ निकाल लो, ये एक बॉल, चलो समझो बात को अच्छे से, अब मैं समझाता हूँ डिटेल में। सपोज ये बॉल इसका मास एम है
और ये v वेलोसिटी से कुछ एंगल बना करके हॉरिजॉन्टल से, मान लेते हूँ थीटा, ऐसे आ रहा है, सीधा नहीं आ रहा, ऐसे आ रहा है। और आफ्टर कोलिजन वो जितने वेलोसिटी से आया था उतने वेलोसिटी से, मतलब वैल्यू के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से नहीं, डायरेक्शन के हिसाब से बात करेंगे तो दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है, दोनों सेम वेलोसिटी नहीं होगा, लेकिन एज अ मैग्नीट्यूड ये दोनों वेलोसिटी क्या है, सेम जा रही है। तो अगर बात करें वॉल पे मोमेंटम क्या हीट किया और क्या जा रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले बॉल का मोमेंटम देखो, ये बॉल का मोमेंटम, तो ये बॉल का इनिशियल मोमेंटम, ये बॉल का फाइनल मोमेंटम, तो मोमेंटम में चेंजेस हो रहा है। हालांकि अगर आप बात करेंगे मोमेंटम बॉल का तो mv और mv, लेकिन सेम डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन क्या हो गया, बॉल का मोमेंटम चेंज कर गया। क्यों चेंज कर गया? इस वॉल के फोर्स की वजह से। इसका मतलब वॉल ने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम चेंज कर गया। अब बात आता है कि फाइंड द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू बॉल, या फिर फाइंड द फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू वॉल, या तो वॉल पे फोर्स बॉल की वजह से या बॉल पे फोर्स वॉल की वजह से। अब इसमें देखते हैं अच्छे से, आओ हम क्या करते हैं, पहले इस चीज़ को तोड़ते हैं, रिजॉल्व करते हैं। जब बॉल आया किसके ऊपर आया, वॉल के ऊपर, तो कितना मोमेंटम हीट किया इस पॉइंट पे ना, वॉल को हीट किया होगा, तो जिधर मोमेंटम होगा उधर ही ना हीट करेगा। सब उस डायरेक्शन में दिखाते हैं हम लोग इसको, ये किधर हीट किया, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ठीक है, तो एकदम सीधा है ये। तो जब वॉल पे बात करें, मैंने वॉल पे दिखाया है, जब बॉल आया तो वॉल पे कितना हिट किया, तो देखो मैं इसको लिखता हूँ, मैं इसको कुछ फ्रेम करके वाइट कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। तो ये एम भी मोमेंटम जब बॉल आया था तो हिट किया था इसके ऊपर, एम भी, इसका बॉल का मास एम और वेलोसिटी क्या है इसका वी। तो ये इस पॉइंट पे, वॉल के इस पॉइंट पे इधर मारा मोमेंटम, ऐसे मारा एम भी, ठीक है, इसका डायरेक्शन थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो जब बॉल आया वॉल पे तो कितना मोमेंटम हिट किया, तो बच्चे लोग बोलते हैं एम भी, नहीं एम भी हिट नहीं किया, आया जरूर एम भी से पर हिट एम भी नहीं किया, कुछ और हिट किया। कैसे सर? आइए मैं समझाता हूँ। सपोज आप किसी को चाकू मारने जा रहे हैं, तो जब आप उसको चाकू मारेंगे तो उसको आप ऐसे मारेंगे या ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे या ऐसे मारेंगे, तो जवाब होगा सर ऐसे मारेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ पर जो हिट करता है एक्चुअली वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हिट करता है। अभी जब ये वेक्टर आ रहा है यहाँ पर, सपोज ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो मैंने वेक्टर में पढ़ाया था ना, इसका दो कंपोनेंट, जब ये ऐसे आ रहा है इसका दो कंपोनेंट होगा, ये रिजल्ट ऐसे है ना, रिजल्ट ऐसे है, इसका एक्स कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट, तो इसका वाई कंपोनेंट इस वॉल को हिट नहीं करेगा, वॉल को हिट करेगा, सॉरी वाई कंपोनेंट इसको ये हिट नहीं करेगा, हिट करेगा एक्स कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है। कोई भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट उस पर एक्ट करता है, पैरेलल कंपोनेंट एक्ट, पैरेलल कंपोनेंट सिर्फ उसको दिखता है, एक्ट नहीं करता, एक्ट करता है परपेंडिकुलरली। तो जब मोमेंटम आ रहा है तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब इसका दो कंपोनेंट होगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ये अगर थीटा है तो उसको लिखेंगे एम भी कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे क्या होगा, एम भी साइन थीटा, ये कंपोनेंट है एम भी साइन थीटा, ओके। अगर इसको आप एज अ फैक्टर देखना चाहते हैं तो इसका डायरेक्शन किधर है, एक्स में है तो आई कैप, ये नीचे है तो क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप, ओके सर। तो जब वॉल पे मोमेंटम जब ये आएगा वॉल, तो ये वॉल पे कौन, ये हिट करेगा, ये हिट करेगा, तो ये इम्पॉसिबल है, तो पैरेलल हिट नहीं कर सकता है, हिट ये करेगा। ओहो, इसका मतलब कि असल में जो बॉल हिट किया है वॉल को वो किसके थ्रू हिट किया है, हिट किया है विद द हेल्प ऑफ एम वी कॉस थीटा, और एम वी साइन थीटा, ये जो कहते हो अनचेंज्ड, क्यों, कि जो टकराएगा वो चेंज हो जाएगा, जो टकराएगा ही नहीं वो चेंज क्यों होगा, जो टकराएगा वो ना चेंज होगा। तो ये वॉल बोलेगा चलो तुम इधर घूमो, क्योंकि ये वॉल को धक्का मारा, बॉल धक्का मारा इधर, टकरा के ये घूम जाएगा। तो ये जो एम बी कॉस थीटा जब वॉल से टकरा रहा है ना, वॉल से टकरा रहा है, तो टकराने के बाद क्या होगा बच्चा, ये घूम जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर सेम वैल्यू रहेगा, टकरा घूम जाएगा। सर टकराने से कुछ चेंज नहीं होगा, तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। क्वेश्चन में आपके लिखा होगा कि कोलिजन जो है इलास्टिक कोलिजन है। सर इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के दौरान कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ, आप जैसे थे वैसे रहिएगा, बस खाली डायरेक्शन बदल जाएगा आपका। तो ये कौन से चैप्टर में? ये चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर कोलिजन मोमेंटम में है, वहाँ पढ़ाएंगे डिटेल में कि कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। फिलहाल इलास्टिक कोलिजन का मतलब आप इतना ही समझिए कि टकराने के बाद उसका वैल्यू वैसा का वैसा ही रहा, कुछ भी लॉस नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या होगा बदल जाएगा, मतलब परफेक्ट कोलिजन एक तरह से है ना, ये जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन ये माना गया है फिजिक्स में। ओके, तो बॉल के पास पहले दो वेलोसिटी था, एक एम बी कॉस और एक एम बी साइन, ये सिर्फ उसका वेलोसिटी ऐसे था, वो ऐसे चल रहा था, लेकिन अब जैसे ये घूम जाएगा तो बॉल का एक कंपोनेंट वेलोसिटी बदल गया, अब एक्स इधर है वाई इधर है, तो इसलिए रिजल्ट इधर है, बात समझ, इसलिए बॉल ऐसे क्यों गया, क्योंकि इसका कंपोनेंट देखो, क्योंकि बॉल के पास, सर बॉल के पास अगर मैं बॉल को ऐसे दिखाऊं येलो कलर से,
बॉल के पास, ये वेलोसिटी उसके पास हमेशा जैसे था वैसे ही, वो अनचेंज, क्योंकि वो कोलिजन में पार्ट नहीं ले रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, बॉल के पास ये है, लेकिन ये पहले ये वेलोसिटी था और ये था, इसलिए रिजल्ट यहाँ से आया, अब ये घूम गया इधर और ये वैसा ही रह गया, अब ये दो कंपोनेंट का वेलोसिटी का रिजल्ट कहाँ आएगा, बीच से ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आएगा, है ना। तो पहले भी एक्स और वाई सेम था तो ये रिजल्ट था, अभी भी एक्स और वाई सेम है तो रिजल्ट है, तो ये एम बी कॉस और एम बी कॉस थीटा और एम बी साइन रिजल्ट क्या था, एम बी था, अभी एम बी कॉस एम बी साइन भी सेम है तो रिजल्ट भी क्या होगा, फिर से एम बी, फिर से क्या होगा एम बी। हाँ, एज अ वेक्टर सेम नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर डिफरेंट है, ये डिफरेंट इससे ये डिफरेंट क्यों हो गया, ये इससे डिफरेंट इसलिए हो गया कि दोनों में वाई तो सेम है पर इसका एक्स ये है, इसका एक्स ये है, इसलिए इसलिए इसको इधर ला रहा है ये एक्स, इसको देखो इस चीज़ को इधर ले जाएगा, ये देख रहे हो ये इन दोनों का रिजल्ट यहाँ पर, और चूंकि ये घूम गया तो रिजल्ट को भी इधर लेके चला गया, वाई अपनी जगह जैसे का तैसे है, वाई अपनी जगह जैसे का तैसे है। तो ये हो गया इनिशियल, ये रेड वाला हो गया इनिशियल, बात समझ रहे हो, और ये ग्रीन वाला हो गया फाइनल, ये ग्रीन वाला हो गया क्या, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये क्या हो गया, ये हो गया फाइनल, ये क्या हो गया फाइनल। तो आते वक्त ऐसे रिजल्ट था, कंपोनेंट एम बी कॉस एम बी साइन टकरा के ये घूम गया, टकरा करके ये ऐसे घूम गया, समझे, ऐसे मैं दिखाता हूँ, ये आते वक्त टकरा के जैसे ही घूम गया तो रिजल्ट भी ऐसे हो गया, समझ में आ रहा बात ना, ये चीज़ है यहाँ पर। ओके, तो इनिशियल मोमेंटम आप कैसे लिखेंगे सर, इनिशियल मोमेंटम आप लिखेंगे P1, इसका एक्स में कितना मोमेंटम था, तो एम यू, यहाँ पर यू छूट गया, एम यू कॉस में छूट गया, ये एम भी का सर एम यू भी माना हुआ है तो ये छूट गया भी, अब भी लिखेंगे इसको एम भी कॉस थीटा, ये एम भी साइन थीटा, ठीक है, तो क्या था एम भी कॉस थीटा, डायरेक्शन क्या था इसका आई कैप, और साथ में कौन था, ये भी था, दो कंपोनेंट मिलाने के बाद ये रिजल्ट आया था, तो अभी क्या हो जाएगा एम भी साइन थीटा, ये दोनों मिलाएंगे और ये डायरेक्शन क्या है माइनस जे कैप, डायरेक्शन क्या है इसका माइनस जे कैप, है ना, ये इनिशियल मोमेंटम फैक्टर है, बाद में ये मोमेंटम फैक्टर, इसका भी दो कंपोनेंट है एक्स और वाई, देखो तो एक्स क्या हो जाएगा इस सेकेंड मोमेंटम का, सेकेंड मोमेंटम मतलब कि ये पी वन मोमेंटम और ये पी टू मोमेंटम, दोनों ऐसा वेक्टर डिफरेंट है, तो मैं वेक्टर लिख रहा हूँ, तो ये क्या आ गया एम वी कॉस थीटा माइनस आई कैप, इसका डायरेक्शन उलट गया, इसका डायरेक्शन उलट गया, लेकिन ये बेचारा जैसा था वैसा ही है एम वी साइन थीटा माइनस जे कैप, वाई में कोई मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, अब यहाँ पे फॉलो हुआ न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, जहाँ फोर्स लगेगा मोमेंटम उधर ही चेंज होगा। अभी देखिए आप गौर कीजिए सर, आप सर इसमें गौर कीजिए कितना साइंस बेहतरीन चीज़ है, वाई में मोमेंटम जैसे था वैल्यू डायरेक्शन वैसा ही है बाद में भी, इसका मतलब वॉल जो है वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रहा बॉल के ऊपर में, तो मोमेंटम बॉल का चेंज किधर हो रहा है, देखो एक्स में प्लस एम बी कॉस थीटा था बाद में हो गया माइनस एम बी कॉस थीटा आई कैप, है ना, मतलब कि एक्स में मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स भी कहाँ पे होगा, वहीं होगा जहाँ मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम जहाँ चेंज नहीं होगा फोर्स नहीं होगा, इसका मतलब अगर आप निकालेंगे तो फोर्स अलॉन्ग वाई क्या आएगा जीरो, फोर्स अलॉन्ग एक्स जीरो नहीं आएगा, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे, एक्स को अलग निकालेंगे वाई को अलग निकालेंगे, तो चलो पहले करते हैं फॉर एक्स एक्सिस, करते हैं क्या बच्चा फॉर एक्स एक्सिस, ओके ये पेन चेंज करना होगा मुझे, यह है इसको मैंने लगा रखा है, चलो फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में देखते हैं क्या हो रहा है सर, एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, देखिए कि मोमेंटम एक्स में इनिशियली क्या था, इनिशियल आई फॉर इनिशियल, एक्स मतलब कि इनिशियल कहां आप देख रहे हैं, आप एक्स में देख रहे हैं, कितना था मोमेंटम था एम वी कॉस थीटा, डायरेक्शन किधर था आई कैप, लेकिन फाइनली एक्स में क्या हो गया, एक्स में क्या बदला हुआ, एक्स में उलट गया उसका डायरेक्शन, हो गया एम भी कॉस थीटा माइनस आई कैप, तो मैंने माइनस को यहाँ लिख दिया, तो ये उलट गया ऐसे से ऐसे हो गया, तो हमको अब निकालना है कि मोमेंटम एक्स में कितना चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग एक्स में कितना हो गया, तो फाइनल मोमेंटम वैक्टर अलॉन्ग एक्स माइनस इनिशियल मोमेंटम वैक्टर अलॉन्ग एक्स, फाइनल मोमेंटम एज अ वैक्टर आप कितना लिख रहे हैं, लिख रहे हैं माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप, यहाँ माइनस और फिर मोमेंटम इनिशियल एक्स में कितना था एम वी कॉस थीटा आई कैप, आप अगर आई कैप बाहर निकाल देंगे तो आ जाएगा माइनस टू एम वी कॉस थीटा आई कैप, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टू एम वी कॉस थीटा माइनस आई कैप, ये आ गया चेंज इन मोमेंटम एज अ वैक्टर, एज अ वैक्टर का मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू कितना है 2 mb cos थीटा, इसका डायरेक्शन कितना है माइनस में, मोमेंटम चेंज कितना किया 2 mb cos थीटा, चेंज हुआ ना यहाँ से यहाँ हुआ तो चेंज निकाले, चेंज कितना आ गया 2 mb cos थीटा, ये चेंज किधर है
इस दिशा में है, कि इधर से आप इधर जा रहे हैं ना, नेगेटिव दिशा में है, तो चेंजेस किधर है, चेंजेस इधर नेगेटिव साइड में है। तो ये हुआ चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स। यहाँ पे थीटा मेरा मिसिंग है, छोटी छोटी चीज़ बाबू जो होते हैं ना प्रात्मक दिमाग, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्क्रीन के सामने लाइट है, कैमरा है, रिकॉर्डिंग है, आपको समझाना है क्या बोलना है, स्क्रीन पे क्या लिखना है, तो थोड़ा बहुत कहेंगे छोटा छोटा मिसिंग, जैसे यहाँ पे एम बी मिस हो गया था, एम बी कॉशेटा, ये एम बी सैनेटा, तो ये छोटा छोटा एरर को आप देख लेंगे, समझ जाएंगे खुद भी। हाँ तो ये चलो बच्चा, अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 MB cosheta, एक्स का मोमेंटम चेंज हुआ है। ओके सर, अब अगर बात करें चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई कितना होगा सर, तो फॉर वाई एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस, चलो इसको देखते हैं बच्चा, फॉर वाई एक्सिस, वाई में क्या हो रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था वाई में, वाई में इनिशियल मोमेंटम था, देखिए क्या था, एम बी साइन थीटा माइनस जे कैप। ओके सर, तो एम माइनस था, एम बी साइन थीटा, साइन थीटा जे कैप माइनस था। ओके, फाइनल मोमेंटम वाई में कितना है सर, फाइनल मोमेंटम वाई में है माइनस, वापस वही है, वही है सर, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम वाई में बच्चा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, नो चेंज आएगा। ओ माय गॉड, कि वाई में कोई मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है। तो एक्स में कितना चेंज हुआ, ये एक्स का मोमेंटम चेंज है, तो फोर्स कहाँ होगा, एक्स में या वाई में, क्योंकि वाई में कोई मोमेंटम चेंज नहीं है, तो पर सेकेंड भी नहीं आएगा, तो फोर्स भी क्या आ जाएगा, जीरो। सेकेंड लॉ बताया था कि चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इज कॉल्ड फोर्स, जब मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा तो एक सेकेंड में भी चेंज जीरो आएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं सर, फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। चलो फोर्स निकालते हैं, एक्स में कितना फोर्स हो गया, तो फोर्स अगर एक्स में निकालेंगे तो चेंज इन मोमेंटम कहाँ डालेंगे, एक्स में, तो चेंज इन मोमेंटम एक्स में कितना आया था, 2 MB, हम सिर्फ फोर्स का वैल्यू निकाल रहे, डायरेक्शन अभी निकालने जरूरत हमको नहीं है, आ जाओ 2 MB cos थीटा, ठीक है, फोर्स का वैल्यू निकालना है, तो इसलिए मोमेंटम का चेंज का सिर्फ वैल्यू लिए हैं, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, ये यहाँ से यहाँ कितने देर में बदला, ये दिया होता है बुक में, कितने टाइम में बदला, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, 0.01 सेकंड, 0.2 सेकंड, ये टाइम बहुत छोटा, तुरंत बदल जाता है, ये टाइम बहुत छोटा होता है, अक्सर पॉइंट में ही आता है, तो जो भी टाइम दिया रहेगा वो टाइम से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, वो टाइम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया फोर्स, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स डिवाइड बाई टाइम, फोर्स अलोंग एक्स। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई डिवाइड बाई टाइम, फोर्स अलोंग वाई, फोर्स अलोंग वाई में क्या आ गया, जीरो। ओह सर, वाई में कोई फोर्स नहीं है, मतलब बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है एक्स में, तो बॉल पे फोर्स भी कहाँ लगा होगा, एक्स में, बॉल का मोमेंटम वाई में चेंज नहीं हुआ है, तो बॉल में फोर्स नहीं लगा होगा वाई में। इसका मतलब कि जो बॉल है, जब बॉल टकराया वॉल से, तो बॉल जो है वॉल को परपेंडिकुलर मारा, तो वॉल भी बॉल को कैसे मारा, परपेंडिकुलर, हम कुछ डिफरेंट कलर दिखा रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो ये जो बॉल मैं दिखा रहा हूँ, चलो मैं बॉल को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये जो बॉल है, बॉल के ऊपर वॉल फोर्स किधर लगा रहा है, फोर्स, क्योंकि बॉल धक्का मारा इधर, एम बी कॉस थीटा, तो उसको बॉल धक्का मारा इधर, चलो तो भागो इधर, चलो भागो इधर, तो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, एक्स में, फोर्स कहाँ पे लग रहा है, एक्स में, ये फोर्स ऑन दी वॉल ड्यू टू बॉल, वैल्यू कितना है, 2 MB cosheta बाई टी। अच्छा, फोर्स ऑन दी वॉल ड्यू टू फोर्स ऑन दी वॉल ड्यू टू वॉल वाई में क्या है, वाई में कुछ भी नहीं है, वाई में कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ कहाँ है, एक्स में है। तो अच्छा है ना, जो नहीं तो नहीं दिखाया जाए, है ही नहीं तो दिखाने क्या जरूरत है, मत दिखाओ इसको, हटा दो, हटाओ, बेस्ट होगा। तो फोर्स सिर्फ कहाँ लगा, एक्स में, इसी फोर्स की वजह से ये घूम के इधर आ गया, है ना। तो ये हो गया फोर्स ऑन दी बॉल ड्यू टू वॉल। अब पूछे कि फोर्स ऑन दी वॉल ड्यू टू बॉल कितना होगा, पहले क्या निकाले, फोर्स ऑन दी बॉल ड्यू टू वॉल एज अ रिएक्शन इफेक्ट्स, ये जितना फोर्स बॉल पे लगेगा वॉल के थ्रू, उतना ही बॉल भी लगाएगा वॉल पे, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। तो अभी इस केस में हम बोल सकते हैं ना कि मेन फॉर्मूला क्या आ गया, अगर मैं यहाँ पर लिस्ट बनाए छोटा सा बॉक्स का, एक लिस्ट बनाए, सॉरी इसको बनाते हैं हम लोग लिस्ट, ये क्या आ जा रहा है, लिस्ट बनाते हैं, फोर्स ऑन दी बॉल ड्यू टू वॉल इज इक्वल टू फोर्स ऑन दी वॉल ड्यू टू बॉल, दोनों सेम ही होगा और दोनों एक्स में ही होगा, दोनों क्या होगा, एक्स में। तो फोर्स ऑन दी बॉल ड्यू टू वॉल, ये कहाँ होगा, एक्स में, और फोर्स ऑन दी वॉल ड्यू टू बॉल कहाँ होगा, ये भी एक्स में, बस एक अपोजिट होगा, यही फर्क होगा। तो ये वैल्यू कितना होगा इसका, 2 MB, हम सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं, इसलिए रिएक्शन नहीं लिखे हैं, cos थीटा बाई टी, है ना।
लेकिन एज अ डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन उल्टा हो गया एक दूसरे का, अगर बॉल इधर लगाएगा वॉल पे तो बॉल इधर लगाएगा बॉल पे, तो ये हो गया फोर्स ऑन दी बॉल ड्यू टू वॉल, और ये हो गया फोर्स ऑन दी वॉल ड्यू टू बॉल, है ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगा। समझ गए बच्चा आप लोग? तो ये लिस्ट अच्छे से रेडी करना है आपको। अब मैं इसके ऊपर आपको दिखाता हूँ, आपको आज के बाद याद कर लेना है, जितने भी एंगल्स आएगा वो एंगल डालेंगे तुरंत चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोर्स निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ जो आपको दिखे कि आसान हो जाता है बहुत क्वेश्चन, कैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट मिनट। चलिए पहले क्वेश्चन ये देखते हैं, ये कहाँ से क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, और मैंने जो क्वेश्चन अभी दिया है ये नीट के लिए है, ठीक है, ये इजी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि धीरे धीरे लेवल उठाएंगे ना, तो जेई वाले बच्चे ऐसा मत सोचना कि जेई क्वेश्चन नहीं देंगे, क्योंकि मैं पहले इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर लेवल उठा के काम करूँगा। पहले इसको कीजिए फिर आगे, मतलब कि जेई के बच्चे नीट के क्वेश्चन भी देखिए, क्योंकि आपको ये बेसिक लेवल करके ही आगे उठना है, उसके बाद मैं जेई क्वेश्चन अलग से देखूंगा। हाँ, अब नीट वाले बच्चे चाहे तो जेई का सीरीज छोड़ सकते हैं, लेकिन कर लेंगे तो और अच्छा है। आइए, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ, मतलब कि जेई का जो क्वेश्चन का सीरीज मैं अलग से रखूंगा लेक्चर के अंदर में, वो बाद में एंड पे, ठीक है। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कंसिक्वेंस ऑफ, किसका, 1991 में आया हुआ है नीट में, कि फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, फोर्स के ऊपर फिजिकली इंडिपेंडेंस कौन शो करता है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। सेकेंड लॉ में तो फोर्स था, थर्ड लॉ में एक्शन एक्शन फोर्स होगा, फर्स्ट लॉ में फोर्स नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए बच्चा अगर कोई डिटेल में पढ़ के रखेगा तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ में फिजिकल इंडिपेंडेंस होता है फोर्स के ऊपर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से, ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे ये भी दिखाया है कि फोर्स का वैल्यू कितना है, एज अ वेक्टर फॉर्म में दिखाया है यहाँ पे कि फोर्स का वैल्यू कितना है। देखिए ये फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये वेक्टर दिया हुआ है, तो कि फोर्स एक्स में भी है, वाई में भी, जेड में भी है। इस फोर्स के लगाने की वजह से एक्वायर्स एन एक्सलेशन, उसने एक्सलेशन गेन कर लिया, कितना गेन किया, 1 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सलेशन का यूनिट गलत है, पर सेकेंड स्क्वायर होगा, बट आप इसको स्क्वायर कर लो, दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो आप लोग फिर गलत समझोगे इसको, पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। द मास ऑफ दिस बॉडी मस्ट बी, तो उसका मास कितना होगा, फोर्स दिया हुआ है, एक्सलेशन दिया हुआ है, मास पूछ रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, बिल्कुल है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर, ये इसका ये 7th क्वेश्चन है शीट का, लेकिन हम लोग इससे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो मैंने जिस दिन नंबर यहाँ लिखा उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लिखा है। तो वी नो डैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, जब ये वेक्टर होगा तो ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा, तो लेकिन हमको तो मास का वैल्यू चाहिए, इतना लफड़ा क्यों करना है, तो एक काम करते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं ना फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सलेशन, क्योंकि एक्सलेशन का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, वैल्यू, तो मास निकालना है, और एक्सलेशन का वैल्यू कितना है, 1 दिया हुआ है, तुमको फोर्स का वैल्यू भी डालना पड़ेगा, तो फोर्स का वैल्यू आप निकाल सकते हो, फोर्स का वैल्यू किसी वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये माइनस क्यों नहीं लिए, क्योंकि फॉर्मूला में ये माइनस वेक्टर है और डायरेक्शन है, और जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड जो है वो सिर्फ वैल्यू का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर, उससे कंपोनेंट अगर माइनस है तो भी डालना है, नहीं डालना है, अगर है तो नहीं है तो भी नहीं डालना है। कुछ बच्चा बोलेगा सर -8 का स्क्वायर करने से तो प्लस ही आ जाएगा, नहीं, लेकिन नहीं डालना, रूल गलत है ये डालने का, क्यों डालोगे आप, टीचर वहीं पर काट कर सकता है, क्योंकि जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है वेक्टर चैप्टर में, जिसका वेक्टर अच्छा नहीं पढ़ा हुआ है, आप चाहो तो मेरा वेक्टर का सीरीज भी लेके पढ़ सकते हो, लेकिन फिलहाल वेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू का स्क्वायर करना है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके सर, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। तो ये सर 60 और 30 90 और ये 200 आ गया, कितना आ गया, 200 के लिए सकते हो 2 × 100, 10 का रूट क्या हो जाएगा, 100 करोड़ 10 हो जाएगा, तो 10√2 क्या आ गया, 10√2 न्यूटन, क्या आ गया, 10√2 न्यूटन। यहाँ पे इसको मेंशन करना चाहिए था कि ये यूनिट न्यूटन में है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, न्यूटन हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10√2 न्यूटन, देखो मास कितना आ गया, मास आ गया 10√2, चूँकि सब एसआई में है, 1 kg, 10√2 kg, ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका है 10√2 kg। क्लियर ना, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी बच्चे नीट का एग्जाम देके निकलते हैं तो बोलते हैं फिजिक्स का पेपर टफ आया था, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे उस हिसाब से, प्रिपरेशन नहीं उस हिसाब का आपका, ठीक है, ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये नीट का 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान है, आपसे फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब बस खाली इतना याद रखिए कि मैंने आपको क्या सिखाया था, क्या समझाया था कि जो फोर्स आता है वो वॉल के परपेंडिकुलर आता है। मैंने क्या समझाया था, जो फोर्स आता है वॉल के ऊपर परपेंडिकुलर आता है। देखिए अभी फोर्स ऐसे लगा रहा वॉल, लेकिन अगर मान लीजिए आप वॉल को ऐसे कर देंगे तो फोर्स कहाँ लगेगा, वाई में लगेगा। तो उसको आपको मतलब नहीं फोर्स कहाँ लग रहा, वैल्यू तो क्या होगा इसका, 2mv cos theta by t, 2mv cos theta। अभी क्या है, x में है, तो आप इसको x लिख रहे हैं। मेन आपको वैल्यू है परपेंडिकुलर फोर्स, वॉल हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। एग्जांपल के तौर पे आप वॉल को ऐसे रख रहे हैं, आप ऐसे बॉल आ रहा है तो फोर्स ऐसे मारेगा, लेकिन आप वॉल को ऐसे रखेंगे और बॉल ऐसे आएगा तो फोर्स ऐसे मारेगा, परपेंडिकुलर मारेगा। तो अभी फोर्स वाई में हो गया, लेकिन वैल्यू तो वही होगा जो ड्राइव किए हैं, 2mv cos theta by t। और हम लोग के केस में याद रखना है आपको, थीटा हम लोग कहाँ से लिए हैं कि जब वॉल रखे हैं तो वॉल के ऊपर परपेंडिकुलर डालें। ये जो लाइन मान लो क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, वॉल के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है। और थीटा यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होता है, लेकिन अभी कहाँ से दिया हुआ है, नॉर्मल से। तो हम लोग के फॉर्मूला में जो थीटा है कहाँ से है, थीटा जो है वो नॉर्मल से है, वॉल से नहीं है, वॉल से नहीं है। तो याद रखना है फोर्स जो भी होगा परपेंडिकुलर होगा, थीटा कहाँ से होगा, नॉर्मल से होगा। चलो अब इसको अप्लाई करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन हम लोग से बनता है कि नहीं बनता है। चलो और देखते हैं, एकदम लास्ट क्वेश्चन इसका शीट का है। चलो और देखते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, पहले अच्छे से क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद दिमाग लगाओ, तुम खुद ही बना सकते हो। अगर ऐसा है तो पॉज कर लो, पॉज करके खुद बना लो, नहीं बने तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, अदरवाइज नहीं देखने की जरूरत है, खुद बना सकता है बच्चा। आ जाओ रीड, केयरफुली रीड करो। 0.5 kg बॉल का मास दे दिया है, 0.5 kg क्या दे दिया है सर, बॉल का मास दे दिया है। मैं थोड़ा हाईलाइटर ले लेता हूँ, 0.5 kg क्या ले लिया है, बॉल का मास ले लिया है। स्पीड कितना, 12 meter per second दे दिया है। एक हार्ड बॉल को स्ट्राइक कर रहा है कितना एंगल से, 30 degree से विद दी वॉल। 30 degree कहाँ से है, वॉल से है, वॉल से, वर्टिकल से नहीं, वॉल से 30 degree है, ये इंपॉर्टेंट है। और रिफ्लेक्ट कर गया सेम स्पीड से, सेम एंगल से, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आया वैसे चला गया, जितने वेलोसिटी जितने एंगल से आया उतनी एंगल से चला गया। ऐसा कब होता है, मैंने क्या सिखाया था, इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होता है कि जितने स्पीड से आएगा उतनी जितना स्पीड से आएगा उतनी स्पीड से जाएगा, जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से जाएगा। ओके ठीक है, ओके उसके बाद क्या, और वॉल जो है फोर्स कितना देर लगा रहा है, द स्पीड है, इफ द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल, बॉल वॉल के कॉन्टैक्ट में कितने देर तक है, 0.25 सेकंड तक, जितने देर तक कॉन्टैक्ट में रहेगा तब तक ही फोर्स लगेगा। तो ये टाइमिंग दे दिया कि फोर्स कब तक लगा, मतलब मोमेंटम चेंज कितने देर में हुआ, जब तक फोर्स लगेगा तब तक ही मोमेंटम चेंज होगा, मैंने पढ़ाया था सेकंड लॉ के अंदर अच्छे से। द एवरेज फोर्स क्या होगा ये बताइए, तो इतना पता है कि आप अगर सपोज कर लीजिए ये बना रहे हैं वॉल, आप कैसे भी वॉल बना सकते हैं, आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायग्राम दिया हुआ नहीं है, दे देगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा, जैसा देगा उसका सोचना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। ये हो गया, अब इसमें क्या करना है कि मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, मान लीजिए यहाँ पर ये नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, बॉल अगर आ रहा है, मैं दोनों एक साथ दिखा रहा हूँ, कोई भी एक लेकर सॉल्व कीजिए, बॉल आ रहा है कुछ वेलोसिटी से, आया है कुछ वेलोसिटी से, और वॉल से कितना बनाया है 30, तो यहाँ से क्या बनाएगा 60, क्योंकि हमको 60 चाहिए, नॉर्मल से चाहिए, वॉल से नहीं चाहिए, मेरे फॉर्मूले में नॉर्मल से एंगल चाहिए। आया और ये चला गया, ठीक है, तो फोर्स किधर लगेगा, अभी फोर्स कहाँ लगेगा, वॉल इधर फोर्स लगाएगा, वैल्यू कितना होगा, 2mv cos theta by t। अभी ये x में होगा, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे इस, आप अगर ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो ये नॉर्मल है, बॉल आया, जितना एंगल से आया उतना एंगल से चला गया, कितना एंगल से आया 30 डिग्री से आया, वॉल से 30 डिग्री चला गया, लेकिन हम लोग को जो एंगल चाहिए वो चाहिए ये वाला 60 वाला, हम लोग को मेन 60 चाहिए, क्योंकि हमको नॉर्मल से एंगल चाहिए सर। अब ये वॉल फोर्स कहाँ लगाया, ऊपर लगाया होगा क्योंकि इसका फेस ऊपर की तरफ है, तभी तो वॉल ऐसे करके घूम गया, ऊपर चढ़ गया ना। तो अब ये फोर्स अभी भी क्या होगा, 2mv cos theta by t ही होगा। अब ये वाई में होगा, तो फोर्स अभी यहाँ पे ये नहीं बोला क्या, बस वैल्यू पूछा है, चाहे एक्स में वाई, डायग्राम पर डिपेंड करेगा ना, डायग्राम नहीं दिया है तो ठीक है, आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। तो आइए फटाफट इसको लिखते हैं, इसका जो प्रोसेस है, इफ इज इक्वल टू 2mv cos theta by t, हम लोग के लिए थीटा एंगल नॉर्मल से चाहिए, मास कितना है 0.5 kg, मतलब 1/2, वेलोसिटी 12, cos 60 हाफ होता है, cos 60 कितना होता है हाफ, ओके टाइम कितना है 0.25, मतलब 1/4, ओके सर। ये काटो तो देखो जरा कितना आता है सर, यहाँ से देखो काटो, ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, और 2 6 12 हो जाएगा, ये 6 आएगा, ऊपर जाएगा 4, 24 हो जाएगा, तो फोर्स क्या आ गया 24 newton सर। ऑप्शन देखिए तो, अरे बिल्कुल ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन क्या है यहाँ पे, 24 newton। समझ रहे हो, बहुत आसान होता है, आप अगर थ्योरी को अच्छा से पढ़ो ना, बोर्ड्स JEE नीट एडवांस कुछ भी टफ नहीं है, टफ है पहला आपका डिसीजन कि आपको करना क्या है, साल भर में कैसा ट्यूशंस करना है, सिर्फ नाम फेम या फेक प्रोपेगेंडा पे जाना है, या सच में सिर्फ एजुकेशन पे साल भर फोकस करना है, अच्छे क्वालिटी टीचर चाहिए या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चाहिए, ठीक है। आजकल मैक्सिमम बच्चा क्या हो रहा है कि यूट्यूब ये वो एक्सपेरिमेंट में अपना 1 साल 11 बर्बाद कर रहा है, और कुछ बच्चा 12 भी बर्बाद कर ले रहा है, ड्रॉप ईयर में जाके फिर क्या कर रहा है कि ड्रॉप लिए कुछ फायदा नहीं हुआ, नहीं
नहीं होगा फ़ायदा, जब तक आप अपना एक अच्छा गाइडलाइन नहीं करेंगे आप नहीं हो सकते, ठीक है। जो टीचर अच्छा है उसके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, वही आपको आगे बढ़ा सकता है, चाहे आप जिस जगह में भी हैं। अब जो मेरे आसपास के बच्चे हो मेरे पास आ सकते हैं, जो मेरे पास आसपास में नहीं हो तो कहीं जाएंगे ना, आप अपने लिए अच्छा टीचर पहले ढूंढिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्लियर है ना। चलिए आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके पिछले स्लाइड का न्यूमेरिकल भी आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगला जो है टॉपिक जो आगे कंटिन्यू करेंगे, नोटिस प्रमोशन ही होगा, थर्ड लॉ स्टार्ट करेंगे, और फिर वापस और भी बहुत सारे क्वेश्चन करना है हम लोग को, बोर्ड्स नीट जेई एडवांस तक हम लोग जाएंगे इस क्वेश्चन में, सीरीज में, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, और जो बच्चे हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियोस उनको मिले जिससे उनको अच्छा नॉलेज मिल रहा है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी नया वीडियोस आएगा ना उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया, लगे रहिए, मेहनत कीजिए अच्छे से। बेस्ट